अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शाहिद हुसैन। शाहिद सकलैन साहब मेरे साथ मौजूद है, मैं उनको ले लेता हूँ। थोड़े टेक्निकल वजूहत पर जो है वो थोड़ी देर पहले एंड करना पड़ा। शाहिद भाई बहुत शुक्रिया तकलीफ के लिए, सर आपको सर भी नो माजरत। शेर जट साहब भी आ जाएंगे थोड़ी देर में। थोड़ी सी प्रॉब्लम। टेक्निकल वजूहत की वजह से थोड़ा सा मामला एंड करना पड़ा, दोबारा आप शुरू कर रहे हैं। इसमें आपके सामने हमने दिन में भी डिस्कस किया था जहरा काजमी केस से मुतालिक कुछ नई चीजें। 8 दिन के बाद तकरीबन हम लाइव आए हैं दोबारा, तो वो लोगों के सामने रखनी है, लोग सवाल भी पूछ रहे थे। तो जज साहब भी आ जाएं, और कुछ कानूनी मामलात हैं वो भी जो है वो लोग बहुत सारे सवाल पूछ रहे हैं, तो बहुत सारी तफसीलात रखनी है। पहले तो ये बताइएगा कि एक मैंने कुछ वीडियो आपकी कुछ देर पहले भी देखी, सूरत हाल हमने बड़ी बारीक बीनी से भी देखी, और सर क्या समझ रहे हैं, क्या मामलात हैं? अस्सलाम वालेकुम, आपको भी, शाहिद भाई, सब व्यूवर्स को भी। और बिल्कुल आपको पता है कि लाइव कोशिश की जाती है कि जब चलो कुछ डेवलपमेंट्स हो, थोड़ी बात करनी हो, जब लोग हमें क्वेश्चंस करते हैं उनके आंसर्स करने हो, तो कोशिश होती है कि जो कुछ हम बता सकते हैं वो हम बता देते हैं। नहीं तो हमारे साथ जो है, शुक्र है, बड़े बातमीज, बाकिरदार और बहुत ही अच्छे से जो है वो वकील, सीनियर वकला भी मौजूद होते हैं, जिनमें अहमद भाई और जी एन कुरैश साहब है। तो बिल्कुल कोशिश यही होती है कि कानूनी जो मामला है उनके ऊपर वो बात करें। आज एक्चुअली देखें शाहिद भाई, मैं अपने वीडियो में भी कह चुका हूँ और यहाँ भी यही कहना चाहूंगा, हरगिज हरगिज किसी का जिक्र करने का बिल्कुल हमने कभी ये किया ही नहीं है कि किसी का जिक्र करने का ये मकसद हो कि खुदा नखास्ता हम उसकी ज़ात को टारगेट कर रहे हो, बिल्कुल भी नहीं। मैंने अपनी बिल्कुल वीडियो में भी ये कहा है कि यार देखें, क्योंकि मामला जो है वो अब ऑन द रिकॉर्ड आ गया है, क्योंकि मामला अब अदालत में चला गया है। जब किसी का मामला अदालत में चला जाता है तो उसके ऊपर बात की जा सकती होती है, कोई ऐसी बात नहीं। और दूसरा मसला ये है कि क्योंकि उन मोहतरमा ने खुद मीडिया के ऊपर आ गई थी, उन्होंने बकायदा आप लोगों को टीवी के साथ बात की थी, सोशल मीडिया के साथ बात की थी, खुद अपने फेसबुक के ऊपर ये चीजें शेयर करी थी, और फिर शेयर जी करके दूसरे अपने जो हवारी हैं उनको कहा था कि जी आप शेयर करें, इसको ज्यादा से ज्यादा वायरल करें। तो इसलिए जाहिर है, जब केस को इफेक्ट करने के लिए या केस के ऊपर असरअंदाज होने के लिए कोई इस किस्म का काम करता है, तो एक सहाफी होने के नाते हमारा ये हमारी जिम्मेदारी बनती है, और हम हमेशा करते भी हैं कि हम उसकी जरा थोड़ी खोज तो लगाएं कि मामला है क्या। क्योंकि जी सीधी सी बात है, लोग हमसे पूछते हैं और हमें भी जाहिर है अपने तरीकाकार से और अपने उससे अंदाजे से देखना पड़ता है कि यार मामला क्या है। मैं कल से आपसे बात भी हो रही थी और कल एक दो और दोस्तों से भी बात हुई थी, तो फ्रेंकली स्पीकिंग पहले दिन से हम लोग ये कह रहे हैं कि चाहे वो अदालत हो चाहे वो सोशल मीडिया हो, उसके ऊपर जो मोहतरमा थी डॉक्टर साहिबा, उनके जो वीडियोज आई थी, मैं कोई, आपको पता है हम तो साइकेट्रिस्ट तो नहीं है, हम कोई वो तो नहीं करते, या देखें एक कॉमन सेंस होती है एक आम आदमी की, मतलब देख के अंदाजा हो जाता है कि मामला क्या है। तो अस्सलाम बिल्कुल। वालेकुम सलाम भाई, वालेकुम कैसे भाई हैं, खैरियत जान, से? ठीक है, शायद भाई, बात शायद करने भाई लग, कैसे खैरियत से? सर कैसे हैं? ठीक ठाक तो शायद भी मैं ये कह रहा हैं। था कि देखें एक कॉमन सेंस की बात है, जी जी जब किसी किसी शख्स को आप सामने देखते हैं, लाइव देखते हैं या उसकी वीडियो देखते हैं, तो उसकी हरकत और सकनात जो होती है उसे अंदाजा हो जाता है कि उस शख्स की जो मेंटल वो है वो क्या है, मेंटल कैपेबिलिटी क्या है, वो किस तरह बिहेव कर रहा है, वो कोई बात कर रहा है तो कहीं उसके अलावा उसकी कोई माइंड में तो नहीं है, उसके दिमाग में बहुत सारी मल्टीपल चीजें तो नहीं चल रही, वो कहीं बिल्कुल कंफ्यूजन का शिकार तो नहीं है, उसके कुछ और मसाइल तो नहीं है। सीधी सी बात है, हर बंदे की जिंदगी में बहुत सारे मसाइल होते हैं, हमारी में भी और भी बहुत सारे लोगों की जिंदगी में मसाइल होते हैं, लेकिन जाहिर है उसको हम किस तरह रिएक्ट कर रहे होते हैं ये हमारे ऊपर डिपेंड कर रहा होता है। तो सेम वाज द बात। केस जी, मैं जो है वो डॉक्टर साहबा की जब वीडियोस आई थी, आप वहाँ कोर्ट में मौजूद थे, हमारे, आपने, हमारे दोस्तों ने बताया था कि उनका कोर्ट में जो बिहेवियर था वो बिल्कुल भी, मतलब, एक नॉर्मल इंसान वाला नहीं था। मैं हैरान हूँ बल्कि परेशान हूँ, खैर, क्योंकि सिंध हुकूमत से तो गिला करना ऐसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात है, क्योंकि अक्सर और बेशतर हम हुकूमत सिंध के कारनामे देखते हैं और वहां पर जिस तरह जो है चौथे स्केल के लोगों को जो है फिशरीज का हेड लगा दिया जाता है, या 10 पढ़े हुए बंदे को कहीं MBBS या डायरेक्टर की पोस्ट पे बिठा दिया जाता है। तो मैं, इसलिए हम लोग ना इस पे परेशान नहीं होते, वो इसलिए परेशान नहीं होते कि वहां पे जो मामला चलते हैं वो हमें पता है। तो इसलिए मैं तो इसलिए हैरान हुआ कि यार एक खातून जिस बिचारी के अपने प्रॉब्लम्स हैं नजर आ रहे हैं, ये नहीं है कि एक तो होता है ना कि खुदा न खास्ता उसकी कोई छुपी हुई चीज हमें पता चल जाती है और हम कहते हैं कि यार कोई बहुत ही बड़ा मसला है, ठीक है, और हमें पता चल गया है, मैं कोई इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हूँ दूसरों की तरह जो जाके लोगों की स्टोरीज डिग करते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। ये तो
वो एक उर्दू का एक वो है वजूद होता है, अजर मिन शम्स है, ये तो वाजे है, ये तो सामने नजर आ रहा है। तो सामने नजर आती हुई चीज को अगर आप झुटलाए और उसको ऐसे पेश करें जैसे पता नहीं, जैसे दूसरी तरफ के लोगों ने कहा कि बस डॉक्टर साहबा आ गई हैं, और डॉक्टर साहबा ने तो केस को उल्टा पुल्टा के रख देना, और असल में पाकिस्तान में सबसे बड़ी साइकाट्रिस्ट यही थी, और इन्हीं की रिपोर्ट का तो इंतजार था जज साहब को, और जज साहब ने केस उड़ा के रख देना। मतलब उन्होंने तो वो मतलब 3-4 दिन इतनी मिट्टी उड़ाई है, इतनी मिट्टी उड़ाई है, जैसे मतलब बाहर आप अक्सर निकलते हैं और आप देखते हैं कि कुछ ऐसे जानवर होते हैं जो मिट्टी में बहुत ऊपर नीचे हो रहे होते हैं और वो मिट्टी उड़ाते हैं, बिल्कुल उसी तरह की मिट्टी उड़ाई है। ठीक है, तो मेरे कहने का ये मतलब है कि जब उस बीबी की हरकत और शक्लात देखी तो फिर मैं उनके जरा थोड़ी सी, मैंने बिल्कुल भी 1-2 दिन पहले से विजिट करना शुरू किया है उनका जो फेसबुक का आईडी है, उस जी फेसबुक जी की आईडी को देख के मेरा वो जो ख्याल था जो जिब्रान नासिर साहब उस दिन कह रहे थे, जो आप दोस्तों ने चीजें बताई थी, जो उनकी हरकत और शक्नात थी, जो तस्वीरें जो वीडियोज उनकी आई, तो मेरा ये ख्याल जो है वो यकीन में तब्दील हो गया कि इस खातून के अपने कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से इसको मूड स्विंग्स हैं। मतलब एक बंदा है जो एक ही वक्त में हंस भी रहा है और रो भी रहा है, तो जहरी बात है वो नॉर्मल नहीं होता। हर जगह पे मुख्तलिफ अंदाज में मुख्तलिफ औकात में रिएक्ट करना और उसके ऊपर अपना रद्द अमल देना जो है वो बड़ा हैरान कुन था। सो मैं उसके सर फेसबुक पे जब गया तो उसकी कुछ को 1-2 दिन की पोस्टें थी वो मैंने देखना शुरू की, तो उसमें उसने अपनी ही बातों का वो किया हुआ था। एक मैंने वो आपको पता है वीडियो में वो उनकी पोस्ट दिखाई भी है जिसमें वो कह रही है कि जी जो है मैं उस वक्त इंटॉक्सिकेटेड थी, मुझे शुक्र गुजार हूँ कुछ दोस्तों ने इसकी तसहीह कर दी है। मुझे भी पता है कि इंटॉक्सिकेशन ये होती है कि आप किसी को कोई भी कोई बंदा कुछ ले ले या उसको कुछ दे दिया जाए और फिर उसके बाद उसका कोई टेस्ट वगैरह सर हो। शायद भाई उन्होंने तो इल्जाम ऐड किया था कि उनको जब ये चाइल्ड प्रोटेक्शन यूनिट गई तो वहां पर कुछ दिया गया, तो सर वो किसने दिया होगा? मैं यही कह रहा हूँ ना उन्होंने सर, वजह तो नहीं देखे की, मतलब खुद लिया नहीं दिया गया, क्या वजह थी? देखें मैंने भी अपनी वीडियो में ये तो नहीं कहा कि किसी ने दिया या उन्होंने खुद लिया, मैंने तो इंटॉक्सिकेटेड को एक्सप्लेन किया और मैंने कहा है कि जी वो नशे में थी, अब ये नशा मैंने दिया है, आपने दिया है, मेहदी काजमी साहब ने दिया है, चाइल्ड प्रोटेक्शन ने दिया है, ये या उनका कुछ खुद दिया का नहीं, कहना तो है। ये उनका खुद का कहना है और ये पोस्ट मौजूद है, अगर अभी डिलीट नहीं भी होगी, हो भी गई तो मेरे पास स्क्रीनशॉट मौजूद है और मैंने अपनी वीडियो पे भी लगाए हुए हैं। ठीक है, तो उसमें वो बकायदा लिखती है कि जी मैं इंटॉक्सिकेटेड थी और जिस दौरान मैं उस बच्ची की मेंटल असेसमेंट कर रही थी तब मैं इंटॉक्सिकेटेड थी। इसका अच्छा मतलब ये है कि एक बंदा जिसको नशा दिया गया हो या उसने खुद लिया हो और वो जी किसी जी ऐसे हसास मामले के ऊपर रिपोर्ट लिख रहा हो, तो मैं हैरान हूं उस शख्स जिसने खुद एतराफ किया हो और खुद कहा हो कि मैं उस वक्त अपने हालत मतलब जहनी हालत मेरी दुरुस्त नहीं थी, तो उसके ऊपर सर कौन यकीन करेगा और कौन एतबार करेगा? कोई कम अकल ही उसके ऊपर एतबार कर सकता है, मेरा ख्याल एक सेंसेस वाला बंदा तो बिल्कुल ही नहीं कर सकता। अगली जो आपने सर अच्छा सवाल किया, जी, अगला जो जी सवाल जी आपने जी किया वो यही है कि जी मोहतरमा ने बकायदा तौर पे उससे आगे जो पोस्ट लगाई उन्होंने कहा कि जी आज के बाद जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो मुझसे इस बच्ची के केस के ऊपर ना पूछा करें, क्योंकि जो अहम रिपोर्ट थी वो जो है मैंने कोर्ट में जमा करवा दी, जो मेरी ड्यूटी लगाई गई थी और वो बड़ी कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट थी। अब अल्लाह माफ करे, खुद सोचें कि वो खातून जिसने खुद ये रिपोर्ट ना सिर्फ अपने पेज पे लगाई बल्कि पूरी दुनिया को भी दी कि इसको वायरल करें, वो कह रही है कि वो रिपोर्ट बड़ी कॉन्फिडेंशियल थी। तो ये सारे मामला सर देखे ना, मतलब ये कॉमन सेंस की बात है, मैं आप एक आम आम फैम आज जो जहन का आदमी है वो वाजे तौर पे समझ सकता है कि जी क्या मामला है। तो इस वजह से सर मैंने तो उसके ऊपर बड़ी सीधी सीधी बात की है, और अब किसने दिया है या किसने दिलवाया है या दिया भी गया या नहीं दिया गया है या जहीर को वाकई भाई बना के जो बचाने वाला मामला था जो कोर्ट के अंदर कहा गया था कि अपनी मैं शहरा काट दूंगी अगर आपको इंसाफ नहीं मिलेगा, तो सर मैं तो मुझे तो लगता है सर इसमें इतना मामला सादा नहीं है। बाकी जज साहब क्योंकि कोर्ट के अंदर होते हैं और इनको कोर्ट के अंदर के मामले, जज साहब को सर नींद भी आई है, शायद भी जज साहब को नींद आई है। जट साहब एक हमारे व्यूअर्स हैं, उनमें से एक बड़े इम्पोर्टेंट हैं जो तकरीबन रोज देखते हैं। मतलब उन्हें ये क्या सलाम भी सारे भी सबको, बहुत इंपॉर्टेंट है यार शायद सभी हैं बिल्कुल, लेकिन एक उन्होंने जो कमेंट किया भाई हुआ है वो जट साहब के लिए किया हुआ मुझे लग रहा है, क्योंकि इस वक्त जो उनकी कैफियत है। स्पेशली हाँ, उन्होंने सलाम किया हुआ, सलाम वालेकुम, और ये है सुपर शानी 110, मतलब 1110 उन्होंने वो लिखा हुआ है। मुझ अच्छा मुझ नहीं है, मुझ है, मुझको अच्छा यारों माफ करना, माँ नशे में थी। अब वो ये अच्छा आपके लिए उन्होंने शायद नहीं लिखा नहीं है, मतलब वो नहीं 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 ये वो ठीक है, वो उन्होंने जट अपने हिसाब से ठीक जट लिखा है। जट साहब के लिए लिखा है। तो सर क्या आप इस बात क्या मैं नशे में सर? मतलब नहीं समझा? वो कह रहे हैं, उनका कहने का मकसद ये है कि यार मुझको यारों माफ करना, मैं नशे में हूँ।
इनके कहने का मकसद ये है। आई थिंक वो तो डॉक्टर आप साहबा कहीं, जो डॉक्टर साहब के हवाले से बात हाँ कर रहे लेकिन हैं, वो क्या उन्होंने आप दुरुस्त नहीं लग रहे इस बात को? अब आप डॉक्टर साहबा की बातें मेरे खाते में डालेंगे। मैं अभी डॉक्टर साहबा के ना फेसबुक नहीं पे सर, उनका उनका फेसबुक अकाउंट विजिट कर रहा था, क्योंकि उन्होंने कंसल्टेशन के लिए भी कहा है। तो मैंने कहा कभी भी मसला हो सकता है आपको, हमें, किसी को भी। तो एक तो उन्होंने ऑनलाइन कंसल्टेशन शुरू कर दिया, उन्होंने प्राइवेट बिजनेस अपना शुरू कर दिया, क्योंकि उन्होंने कोर्ट में तो कहा था ठेला लगाऊंगी, लेकिन यहाँ उन्होंने यही वाला काम शुरू कर दिया। दोबारा लोगों के इलाज करेंगी, जो ठीक लोग हैं उनको खराब करेंगी। और उसके अलावा उन्होंने ना बड़ा अच्छे से एक्सप्लेन किया कि उन्होंने कहीं से एक फोटो उठा के लगाई है कि ब्रीचिंग कॉन्फिडेंशियलिटी योर रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उसके मुतालिक जी जो उन्होंने वो जी जी जो शायद भाई एक्सप्लेन कर रहे थे, वो बड़ी मजे की है। और सबसे खूबसूरत चीज ये है कि आज से उन्होंने जिम ज्वाइन कर लिया, आज से माशाल्लाह, उन्होंने एक्सरसाइज ज्वाइन कर शुरू कर लिया। और उन्होंने कहा कि एक्सरसाइज द बेस्ट वे टू गेट फिजिकली एंड मेंटली फिट। वो इस नतीजे पे पहुंची है ये पिछले चंद दिनों में ये अच्छी कि खबर है, ये अच्छी खबर है। ये देखिए, किसी की सेहत अगर अच्छी हो रही है, मतलब हमें भी ज्वाइन करना चाहिए। मैं खुद भी तकरीबन पिछले 1.5 साल से सोच रहा हूँ कि मैं ज्वाइन करूँ, लेकिन सोचते सोचते रहेगा सर, ही सोचते रहेगा, रहते जट साहब को कुछ हो गया सर। क्योंकि अच्छा सोचना भी हेल्दी एक्टिविटी है ना, अच्छा सोचना भी जी जी हेल्दी। जी जी जट साहब का सर इंटरनेट मुझे लगता है इनका साथ नहीं जी दे जी रहा। शानी भाई बिल्कुल, मैं जरा मजाक जट साहब को बोला था, वो हाँ कह रहे हैं शानी, सुपर शानी साहब कह रहे हैं कि ये किसी और के लिए था। अब नहीं, हम वो सुपर अगर भाई को नाम गया, लेते, हमें अंदाजा हो गया था, अंदाजा हो गया। सुपर भाई को जी गया, हमें जी अंदाजा ये हो गया। आपकी दिल की बात हम समझ गए थे, लेकिन मामला ये है कि हम जट साहब को बोले थे, अब जट साहब जो है उन एकदम बिल्कुल रुक से जट गए। साहब जो है ना, अक्सर ऐसी हालत में स्टिल हो जाते हैं, आपको अच्छा याद है ना, अक्सर बेशतर जट साहब आवाज आ रही नहीं। अल्लाह अच्छा रहम शायद भी करे, जट साहब दोबारा, वो शायद मेरे ख्याल से हाँ दोबारा ज्वाइन करेंगे। ज्वाइन हाँ, करेंगे इंटरनेट का दोबारा, इशू हो ज्वाइन रहा है, करेंगे। इंटरनेट का इशू हो रहा है। अच्छा उसमें असल में पता क्या, जय शायद भाई कोर्ट में जज साहब ने ना वो ऑर्डर में लिख दिया है उस रिपोर्ट के हवाले से। तो अब अगर उस रिपोर्ट को कोई बुनियाद बनाकर अगर कोई सवाल करता है या किसी फोरम पर ये हाँ बात करता है, तो उसकी कानूनी तौर पर लीगली कोई क्या हैसियत हैसियत होगी कोई? नहीं। तो अब वो जरा जज साहब वापस आ जाए तो जरा उनको दोबारा लेते हैं कि शायद उनके मोबाइल में प्रॉब्लम हुई है। तो वो मेरे एक तो ख्याल से चीजें कर रही है, दूसरा असल शायद में भी मेरा जी जी जी, मैं जी बिल्कुल फरमाए। इसी पे बात करना चाह रहा था। मैं ये अर्ज कर रहा था, मैंने कहा देखें, एक तो मैं आपको कह रहा था कि बड़ी कॉमन सेंस की बात है। दूसरा जो है, उस दिन मैंने एक अपनी वीडियो में आपके जो दोस्त हैं वहां पे, जो अक्सर बेशतर आपके जिक्र भी करते रहते हैं और वहां पे होते हैं, एक साफी हैं जो कराची से हैं, तो उस दिन ना लाइव में कह रहे थे कि जी देखें ना जी, पंवर साहब जो है, उन्होंने डॉक्टर साहबा ने जो इतराजात उठाए हैं उसका तो ऑर्डर में जिक्र ही नहीं किया, और जावेद कलोड़ो साहब ने भी यही किया था। मतलब जजेस को कंट्रोवर्शियल बनाने वाला मामला ना, नहीं तो इस उन्होंने वजह लिखा से जज है साहब ये जो नहीं, आखिरी मतलब अब कल वाला ऑर्डर है। वो जी पढ़ा जी नहीं होगा उन्होंने, उन्होंने पढ़ा नहीं होगा। वो पढ़े बगैर अक्सर आ जाते हैं ना रात को लाइव में, फिर दूसरे दिन उनको हम बता देते हैं कि यार ये आप बता देते हैं अपनी वीडियोज में कि यार ऑर्डर में ये लिखा हुआ था, फिर दूसरे दिन उनको पता चलता है कि ऑर्डर में तो ये लिखा था। रात को तजिया अपना दे देते हैं पढ़े बगैर, क्यों? जट साहब ने जगह भी तब्दील कर ली है। जट साहब, मैं मेरी आवाज आ रही है? सर, असल जट साहब के में मामला मामला ठीक नहीं रहे, इंटर एक तो जट मेरे साहब के ख्याल में आज मामला उनकी ठीक नहीं रहे। तबीयत बेहतर नहीं लग रही चट साहब की। तो दूसरा ये है शायद कि भाई मैं अर्ज मौसम, ये कर रहा था, चले अहमद भाई आ जाते हैं शायद तो भाई आवाज देखें। आ रही है मेरी जी बिल्कुल, आपकी आवाज आ रही है, आपकी आवाज आ सर, रही है। आप शक्ल दिखाएंगे तो फिर आपसे वो जो सवाल है उनके जवाब भी ले लें। अच्छा असल में मैंने कोशिश की कि वो मैं उसको ऑडियो करके देखूं कि शायद ऑडियो पे ठीक चल जाए। नहीं नहीं मेरा सुनो सुनो, अच्छा वो इंटरनेट जो है ना वो दूसरा वाईफाई वाला वो बंद हो गया, लाइट चली गई थी। अच्छा, लाहौर में बिजली बड़ी जाती है यार, अहमद भी क्या चक्कर है यार? तो अभी क्या सर, किस तरह कर सकते हैं बात, ऑडियो पे कर सकते हैं? उन्होंने तो माइक भी म्यूट कर दिया और वीडियो भी चली गई शायद भी। चले अहमद भाई को हम लेते हैं साथ ना, जी, तो अच्छा ये आप असल फरमा रहे में थे शायद भी आप क्या बता रहे थे, ऑर्डर में तो जज साहब ने क्या लिखा है एंड पे कुछ लिखा वो नहीं? वो जो तो नहीं, वो मुझे पता है, वो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन उनका एतराज ये था, उनका एतराज ये था, ठीक है वो रिपोर्ट का तो डॉक्टर साहब ने लिख दिया, आप ठीक कह रहे हैं। उनका दोस्त आपके का एतराज ये था कि जज साहब को जो फातिमा रियाज ने इतराजात उठाए थे अली काजमी साहब वगैरह के हवाले से, उसके हवाले से भी ऑर्डर में लिखना चाहिए था, जो कि कलोड़ा साहब ने भी नहीं लिखा था एक और केस में, और पंवर साहब ने भी नहीं लिखा इस केस में। मतलब उनका ये मामला था कि जी डॉक्टर साहबा के जो अली काजमी साहब वगैरह पे इल्जाम थे,
या जो कुछ वो कह रही थी उसके हवाले से भी कुछ ऑर्डर में लिखना चाहिए था कि जी इसकी कोई, आई थिंक ये मेरा सोचना है कि शायद वो ये कहना चाह रहे होंगे कि यार डॉक्टर साहबा के इल्जाम की इन्वेस्टिगेशन की जाए, क्या वाकई इन्हें कुछ दिया तो नहीं गया था, इन्होंने जो कहा कि मेरी रिपोर्ट है आगा खान से उसमें जो है कुछ ऐसे ही चीजें आई हैं जिससे ये पता चले कि इंटॉक्सिकेशन है, उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए, मुझे ये लग रहा है, मतलब मैं ये समझ रहा हूँ, जो मेरी समझ बूझ है इतनी तो नहीं है जितनी आपके दोस्त की है कराची वाले की, लेकिन इतनी जरूर है कि जी मुझे ये समझ आ रही है कि शैतान की मेरा ठीक है, मुझे ये समझ आ रही है, देखा है जब मतलब कि बाद में तो अहमद भाई का नेटवर्क इंटरनेट भी ठीक हो गया, इंटरनेट भी ठीक हो गया, इनके दोस्त का जिक्र आया ना जो इनका बहुत जिक्र करता रहता है। सर, आप सर जज साहब, सर लोग कंफ्यूज हैं वैसे सर, मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज जज कर साहब भी ने रहे भी हैं। जज आपने सर साहब पढ़ा? ने नहीं भी नहीं नहीं नहीं, नहीं ये जो मतलब 3-4 दिन का जो एक सूरत हाल हुई है ना सर, इसकी थोड़ा आपने चूंकि पढ़ा है अच्छा, और मतलब अब पढ़े आवाज हैं ठीक आ रही है जी, जी जी आपके बात सर, बहुत अच्छी आ रही है। आप जरा थोड़ा तफसील से बताइएगा कि आप वो उस रिपोर्ट की क्या हैसियत है, या जो ढिंडोरा पिटना क्यों था वो पिट गया? नहीं जट साहब कुछ गड़बड़ है सर, जट साहब एक गला नहीं चाहिए सर, जट साहब जी जी अब आए हैं वापस आ गए। अच्छा तस्वीर जाती है फिर जब इंटरनेट ठीक होता है तो ये खुद उसको तस्वीर को हटा देते भाई। जट साहब, जट साहब किस चक्कर में है यार, ये कहीं बाहर चले गए नहीं माने, जोन करना माइक म्यूट कर दो जट साहब, कितने काल कोई और वीडियो ना हो जावे थोड़ी ये गल्ला। अच्छा सर जी, शायद ही मेरी आवाज आ रही है, शायद भी मेरे ख्याल से जट साहब को आने दें, जट साहब की आवाज आएगी तो मेरे ख्याल से हम उनके साथ कंटिन्यू कर लेंगे। आप शुरू करें आप। नहीं आप जो फरमा रहे थे वो बताएं। जी, मैं ये अर्ज कर रहा था, मैंने कहा वो तो सीधी सी बात है, मैंने उस दिन इसके ऊपर प्रॉपर एक वो भी किया था, उनकी किसी ने क्लिप भेजा था, मैंने वो क्लिप सुना, उसमें दो बातें की गई, एक तो ये कि जी डॉक्टर साहिबा ने जो इल्जाम लगाए थे उसके ऊपर कान नहीं धरा गया पवार साहब की तरफ से, और दूसरा वाजे तौर पर उसमें उन्होंने ये कहा वाजे तौर पर, जो कि नहीं कहना चाहिए, जहरी बात है मामला सब जुडिस है और ये मामला कोर्ट्स ने देखने होते हैं, हम कौन होते हैं, हम तो इसके ऊपर एनालिसिस देते हैं जो हमें समझ आ रहा होता है, उसके अलावा तो हम कोई बात नहीं कर सकते, वकला ने दलाइल देने होते हैं, कोर्ट ने फैसले करने होते हैं। उन्होंने वादे तौर पे कहा कि जी फातिमा रियाज ने ये इल्जाम लगाया कि शैला रजा साहिबा ने उन्हें ये कहा कि सब जो है हमारे साथ मिले हुए हैं जस्टिस सलाउद्दीन पवर समेत, ये भी उन्होंने कहा। ठीक है, तो ये बड़ी मेरे लिए हैरान कुन बात थी शायद भाई। सीधी सी बात है कि एक सिटिंग जज है जो हाई कोर्ट के जज हैं, और ये भी नहीं है कोई छोटे मोटे जज नहीं है, मतलब जज तो कोई भी छोटा नहीं होता, जज तो आपको पता है मजिस्ट्रेट से तो हर कोई डरता है, लेकिन ये है कि एक हाई कोर्ट के जज हैं जिनको आप मलाइन करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसी कोई बात स्वीपिंग स्टेटमेंट है ना, किसी के मुंह में डाल के उन्होंने एक स्वीपिंग स्टेटमेंट दिया है, ये हम लोगों का काम नहीं होता सहाफियों का, स्वीपिंग स्टेटमेंट शायद है शायद भाई जो सूरत हाल देखी ना हमने वहां पर, शायद भाई जी तो जी जी उससे मुझे पता है क्या लग रहा था, मैंने कल भी शायद तذکرہ किया है, जो सूरत हाल बनी किसी की वजह से, डॉक्टर साहबा की वजह से या ओवरऑल जो भी बनी, तो अब जी मुस्तकबिल में जो एक तो पेंडिंग केसेस हैं जो हाई कोर्ट में जस्टिस सलाउद्दीन पवार साहब की अदालत में थे, और उसके जी बाद फिर अगर मुस्तकबिल में ट्रायल कोर्ट के फैसले के किसी भी फैसले के खिलाफ अगर इनके पास एज पर रोस्टर आता हाँ है तो मुझे लग रहा है यस कि वो नहीं सुनेंगे सर, अब देखे वो ना केस सिरे मतलब से नॉट बी फोर कर देंगे, उसमें जो है वो नहीं सुनेंगे, अब ये किसी दूसरे बेंच को जाएगा, हालांकि कुछ सोचे ना, चूंकि कुछ 5-6 महीने सोचे से 3-4 महीने से ये केस इनके पास आ रहा है तो ये मामला कुछ समझ भाई, चुके थे, जिसको जितना रिलीफ बन रहा था उसको मिल भी। मुझे मुझे तो ये लगता है, देखें फिर वही बात है ना, मतलब हमारा तो फिर आप यही सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि इन्होंने जानबूझ के करवाया है, ताकि कि देखें सलाउद्दीन साहब जैसे आप कह रहे हैं, हमें भी पता है जब हम कोर्ट्स में जाते हैं एक जज होता है जिसके पास केस लगा होता है, वो सारी उसकी हर चीज से वाकिफ हुआ होता है, उसको पता होता है कौन सी FIR है, कौन से इसमें दफात लगी हुई है, इसमें कौन कौन से गवाह है, किस बंदे ने किया है, उसके साथ कौन कौन शामिल था, उनके ऊपर क्या इल्जाम आते हैं, सारी चीजें वकला उसके सामने दलाल दे चुके होते हैं, उसको वो केस बड़ा क्लियर होता है। ठीक है, फिर जब नए जज के पास कोई चीज जाएगी जो आप भी कह रहे हैं जो मैं भी कह रहा हूँ, इसका मतलब यह कि इन्होंने जानबूझ के करवाया है ताकि सलाउद्दीन पवार ये सुने ही ना, सलाउद्दीन पवार नहीं सुनेगा तो डिले होगा, इनके जिंदगी का वाहिद मकसद और इनके वकील करने का मकसद यही है इस केस को किसी तरीके से लिंगर ऑन किया जाए, डिले किया जाए, फैसला ना आए, ट्रायल की तरफ मामला ना जाए, इनका तो यही मकसद है, इसके अलावा कोई मकसद बिल्कुल नहीं है ना, कि जी ट्रायल की तरफ मामला जाएगा, दफात वो होंगी, इसके बाद ट्रायल होगा, ट्रायल के बाद सजा होगी, सजा के बाद ये सारे मामला होते हैं। मुझे तो सर लगता ही यही है कि इन्होंने जानबूझ के ये करवाया है ताकि पंवर साहब जो है, मैं तो कहता हूँ पंवर साहब को ये केस सुनना चाहिए, मैं तो मतलब
आई डोंट नो, पता नहीं सर असल वो। में नहीं, मामला ये है कि जब आप इतना आप जो है तस्दीक करेंगे, इस तरह तमाशा लगाएंगे, अब जज साहब के जो वो था क्या कहते हैं चैम्बर है, चैम्बर के सामने सर धरना दे दिया, और इतनी सारी खवातीन पुलिस वालों को बुलाना पड़ा, और किस तरह सूरत हाल बनी वो सबके सामने है। मतलब आप किस तरह सुन हाँ सकते हैं, यानी जज कि साहब आ गए सर, जिसने भी जज बात साहब आ की गए, उसको ये कहा गया कि आप उनसे मिले हुए हैं, जिसने भी बिल्कुल बात ऐसा की उसके ऊपर ये इल्जाम लगा जी आप मेहदी साहब से मिले हुए हैं। जज साहब सर वो आपने रिपोर्ट्स पढ़ी, पीजी का खत पढ़ा, इससे पहले आपने राइटिंग देखी, और उसके बाद डॉक्टर उज्मा की रिपोर्ट भी यकीनन आपने पढ़ी होगी। कोर्ट के दोनों ऑर्डर, यानी कि एक तो ये था कि जो रिपोर्ट पब्लिक करने वाली थी और इसके अलावा मेडिकल बोर्ड तब्दील करने के हवाले से थी, वो सारी चीजें आपने पढ़ी हैं, तो आप जरा पूरी तफसील से बताइएगा। इस वक्त नेट भी आपका ठीक है और आप लगता है कि सूरत हाल भी आपकी कैफियत भी बेहतर है, तो आप जरा तफसील से बताइएगा, क्योंकि हमारी भी इस दौरान जरा गुफ्तगू भी नहीं हुई। बहुत शुक्रिया शाहिद भाई। कैफियत ठीक है, तबीयत मेरी थोड़ी नासाज है, तबीयत नहीं मैंने कहा रंग भर दें आप, जो नहीं मैं चाह रहा था कि आप रंग है भर दें सर इसमें, ना वो, आप रंगबाजी ना करें, मैं कर रंग देता हूँ भर जो दें सर, कहना। आप भर हाँ दें नहीं, सर। मैं आपको कह रहा हूँ, वो आपके लिए कह रहा हूँ। अच्छा बात जी ये है कि एक तो सिंध के अंदर वैसे तो हाई कोर्ट के चारों सूबों के ऑर्डर्स इंग्लिश में होते हैं, और सिंध के तो छोटी अदालतों के ऑर्डर्स भी क्योंकि इंग्लिश में आते हैं, तो ये वाकई बड़ा जरूरी है कि जब भी कोई फैसला आता है उन फैसलों को आसान उर्दू में हमें ट्रांसलेट करके लोगों को बताना चाहिए, हम बताते हैं खासकर सर, क्योंकि हम क्योंकि बताते हम हैं। तो बताते हैं लेकिन आप बताते हैं, मैं बताता हूँ, शायद भाई बताते हैं, लेकिन शैतान लोगों को रोकता है, बहकाता है, वो कहता है नहीं मत यकीन करो, ये जो सही कह रहा है उसके पहले, तो शैतान का तो काम ये है ना, वो कब से हजरत आदम के टाइम से शैतान का काम ही है, तो शैतान आज भी अपना काम ईमानदारी के साथ कर रहा है और उसकी कोशिश होती है कि लोगों तक सच ना पहुंचे। शायद भाई इस ऑर्डर पे आने से पहले मैं एक ऑर्डर पहले वो एक्सप्लेन कर दूं जिसमें जहीर की जमानत मनसूखी के साथ साथ मैंने एक व्लॉग भी किया था जिसमें बार बार ना उससे कुछ दिन कबल एक वो जहीर की मुलाजमा और ये जो जहीर का मुलाजम टेढ़ी टांगों वाला शैतान, इन लोगों ने 3 साल के लिए मैदी काजमी को जेल भेजा था, यस 3 साल के लिए मैदी काजमी को जेल भेज दिया था, बकायदा इनके वकील साहब ने भी खड़े होकर बड़ा जबरदस्त तरीके से एक्सप्लेन किया था, और वो जो 3 साल के लिए जेल भेजा था और जो जहीर की मुलाजमा है उसके थंबनेल के ऊपर भी बिल्कुल अभी भी वो लाइन मौजूद है, उस फैसले का जिक्र नहीं कर रहे। जो भी फैसला इन लोगों के खिलाफ आता है या मतलब, तो फैसले तो सारे आ रहे हैं, अभी इसको नहीं कहा जा सकता कि किसी की फतह हो गई है, लेकिन इवेंट वाइज चलता होता है, उस फैसले का जिक्र नहीं करते। उस फैसले में बड़ा वाजे तरीके से ये बड़े तरीके से निकले हैं, जैसे भी मैनेज करके निकले हैं, क्योंकि इन्होंने अदालत के ऊपर इजहारे अदम एतमाद वाला ड्रामा कर दिया था। आपको याद होगा कि पहले भी जब इनकी जमानत का फैसला होने वाला था, जब कबल गिरफ्तारी वाली जमानत का फैसला होने वाला था, उसके बाद गिरफ्तारी वाला, तो हर फैसले से पहले वुकला की तरफ से इलियास मेमन साहब के ऊपर किसी ना किसी तरह प्रेशर डाला गया, कभी अदालत के अंदर उनको थोड़ा सा इस तरह के फिकरात उनके सामने कसे गए, कर दें फैसला, मुझे हमें पता है आपने इंसाफ दे रही नहीं है, इस तरह की बातें, फिर बाहर बैठ के जब दोबारा जब दूसरी दफा जमानत होनी थी, जब ये अंदर जेल में थे, तब भी इस तरह के फैसले, तब भी इस तरह के बयान अदालत के अंदर दिए गए, एग्जैक्टली इसी तरह इस दफा हुआ, जब ये फैसला आने वाला था उससे 1-2 दिन पहले सोशल मीडिया के लोगों के जरिए, शैतान के जरिए वकील साहब ने अदम एतमाद का इजहार कर दिया कि मैं अदालत पे एतमाद ही नहीं करूंगा, लेकिन जब उनके हक में फैसला आया वो खैर उन्होंने रख लिया, जो फैसला उनके हक में नहीं आया उसका जिक्र नहीं किया किसी ने। पहले तो वो जरूरी है कि लोगों को ये पता हो कि उसने 2 दरखास्तें दी थी और दोनों की बेस पर मेहदी अली काजमी को झूठा ठहराने की कोशिश की थी, वो दोनों दरखास्तें खारिज हुई हैं। आज तक जितनी भी अटेम्प्ट इस मुकदमे को रुकवाने की, मुदई मुकदमा के खिलाफ कार्रवाई करने की या इस मुकदमे को खत्म करवाने की जितनी भी दरखास्तें दी गई हैं वो जहीर की खारिज हो रही हैं, दैट मींस ये मुकदमा चलेगा, डिले करने के लिए दरखास्तें उसने दी लेकिन मुकदमा चलेगा। अब आते हैं ये जो अभी करंटली जो ऑर्डर आया है, सबसे पहले जो लेटेस्ट ऑर्डर आया जो आपने मुझे शायद भी फौरन भेज दिया था जैसे आपको मिला था, उस ऑर्डर के अंदर बड़ा वाजे तौर पर जस्टिस सलाउद्दीन पावर साहब कहते हैं कि भाई मैंने 2 हुक्मनामे जारी किए हैं, पहली दफा मैंने मेडिकल ये नफसियाती डॉक्टरों का बोर्ड बनाने के लिए कहा था और दूसरी दफा मैंने
मामले को बोर्ड चेंज करके दोबारा बना के डिस्पोज ऑफ कर दिया था। इन दोनों मामलों के दरमियान जो है मुझे पता चला है, हमें इन्फॉर्म किया गया है कि ये जो नफसियाती डॉक्टर फातिमा है ये पब्लिक कर रही है रिपोर्ट्स को, मीडिया में दे रही है और मीडिया इसको चला रहा है, तो उन्होंने कहा कि ये आप नहीं कर सकते और ये कुछ सलाउद्दीन पवार साहब की ख्वाहिश है, जिब्रान नासर की ख्वाहिश नहीं है, कानून के मुताबिक उन्होंने कहा आप नहीं कर सकते। फिर उन्होंने कहा कि दो दिन का टाइम है, दो दिन के अंदर अंदर चेयरमैन पीटीए और डीजी एफआईए मिलकर कार्रवाई करें, हर जगह से रिमूव करें, मेक श्योर करें कि दोबारा ये रिपोर्ट्स नहीं आएंगी वहां पे। उसके बाद आपको पता है डॉक्टर साहब ने खुद भी अपनी रिपोर्ट डिलीट करनी शुरू कर दी, अब या पीटीए ने की है या डॉक्टर साहब ने की है, तो डॉक्टर साहब बेहतर बता सकती है, लेकिन वो डिलीट हो गई। बड़ी जरूरी चीज जो उन्होंने कहा कि पिछले, अच्छा ये बड़ी दिलचस्प चीज है जिसके ऊपर वो तो कभी भी नहीं बात करेंगे, पिछले ऑर्डर में एक कमी रह गई थी, लकुना रह गया था, उसको कमी कह लें, लकुना नहीं कह सकते, वो कमी ये थी कि पिछले ऑर्डर में ये लिखा गया था कि रिपोर्ट्स ये जो डॉक्टर फातिमा है इनकी भी और डॉक्टर उज्मा की भी, इन दोनों को चाइल्ड जो ट्रायल कोर्ट है जेंडर बेस्ड वायलेंस कोर्ट उसके सामने पेश कर दिया जाए, इन दोनों रिपोर्ट्स को देखने के बाद वो अपनी ओपिनियन फॉर्म करें, जो भी ओपिनियन बनाना चाहते हैं। वो जो बीच में से एक ऑब्जर्वेशन थी वो अब कोर्ट ने चेंज कर दी, उन्होंने कहा इस बीबी की रिपोर्ट कतन नहीं लेके जाने, इसको तो फारग ही करो ना, इसकी रिपोर्ट का कोई ताल्लुक नहीं है, इसको बिल्कुल हटा दो, और इसको उन्होंने साइड पे निकाल दिया। अब पहले तो सिर्फ ये था कि इसको बोर्ड से निकाला गया, लेकिन जो काम इसने आज तक किया था उस काम को सम हो वैल्यू कर दिया गया था कि वो काम भी दिखा दिया जाए कोर्ट को, लेकिन अब कोर्ट ने सिरे से उसको खत्म कर दिया। अब दूसरी तरफ आते हैं, वो जो खत आ रहा है, पहली बात तो ये कि शायद भाई बेहतरीन तरीकेकार ये होता है आप लोगों के साथ रह रहे कि जो मुझे समझ आया है सोशल मीडिया पर बात करने के लिए, कि जो रेलिवेंट स्टेक होल्डर होता है, जो कंसर्न बंदा होता है, उससे जरूर मौकफ लेना चाहिए। तो मैंने भी आप लोगों को कॉपी करते हुए, आप लोगों के पीछे चलते चलते सीख लिया, और मैंने मेहदी अली काजमी से पूछा, मैंने उनको कहा भाईजान ये बताएं, ये जो आपकी बच्ची का, उनको भी हमने यही कहा कि उनसे काउंटर क्वेश्चन करना था ना, उनको क्रॉस एग्जामिन किया जी, उन्होंने कहा जी ये लिख लें, ये राइटिंग है बच्ची की, ये भी राइटिंग है, ये भी राइटिंग है, पहले तो ये वेरीफाई कर लें कि ये राइटिंग है कि नहीं बच्ची की, जहां पे भी आपने देखना है जिस तरह कहते हैं हम आपको सेटिस्फाई कर, उन्होंने क्लियरली सामने रखा पाने, पाने। जब मैंने वो देखा सेटिंग, उसमें सेटिंग कह रहा हूँ पानी से, मेरा भी दिमाग खराब कर दिया, उन्होंने बारा जब वो सामने रखा वो वाला जो असल राइटिंग है बच्ची की वो, और ये वाली राइटिंग देखी, तो मुझे शुभ कुछ और हुआ। लाहौर से कुछ दोस्त हमारे बताते हैं, कुछ उन लोगों ने ये कंफर्म किया है कि ये जो जहीर की मुलाजमा है ये बहुत ज्यादा ये लैंग्वेज यूज करती है, ये बहुत ज्यादा ना ये वाले रोमन के अंदर ये चीजें लिखती है, और रिपोर्टेडली ये पता चला है कि ये चेन बनी है ना, मुलाजमा ने मुलाजम को, मुलाजम ने आगे डॉक्टर साहब को, ये एक तरीकेकार से वो एक डॉक्यूमेंट बनाकर उसको शेयर किया गया, और रिपोर्टरली वो जो डॉक्टर साहब हैं बेचारी के पास ये ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं है, उनके पास भी इतनी फोटो ही है जितनी वो पब्लिश कर रही है, तस्वीर है, सुना मैंने यही है तस्वीर है, क्योंकि वो देखे ना, वो अगर ऐसा कुछ होता तो वो मीडिया के सामने जब बयान दे रही थी तो यहाँ ऐसे उन्होंने पेज दिखाने थे, ऐसे उन्होंने सबूत दिखाना था, और एक मिनट में मतलब जो है ना सच्ची साबित हो जाना था उन्होंने, लेकिन उनके पास रिपोर्टरली वो एक्चुअल पेज है ही नहीं, उनके पास सिर्फ फोटो है, वो लाहौर, जाहिर है लाहौर से। वैसे तो देखिए हमें वो, मुझे फिर कुछ वकालतनामे चाहिए थे मेहदी काजमी साहब के, कल मैंने सपोज कहा है तो आज मुझे वकालतनामे मिल जाते हैं, वो ये तो एक रात का काम है, और वैसे भी इन लोगों के पास तो मालमत्ता भी ज्यादा है, तो ये तो बड़ा इजीली कर सकते हैं, इनका तो एक दो बंदा जो है ना वो दो चार बंदों को वैसे ही ट्रेवल करवा देते हैं कि यहाँ से दो बंदे उठाए यूट्यूब के ऊपर काम करते उधर भेज दिए, उधर से उठाए इधर भेज दिए, पहले ये कराची का शैतान लाहौर आया, लाहौर वाले लोग लाहौर के शैतान उधर गए, ये सारा आपस में एक बिजनेस चलता रहता है इनका ना, ट्रेन शेन इनकी सर्विस एक फिक्स है, वो चल रहा है इनका। बहरहाल वो जो लेटर है उसके ऊपर जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जिसके ऊपर आई डोंट नो किसी ने डिस्कशन किया कि नहीं की, बच्ची के सिग्नेचर। अच्छा अब इन लोगों ने तमाशा बनाया हुआ है, इन्होंने कहा कि चार लफ्ज लिखने हैं ना, चार अल्फाबेट लिखने हैं, जी ए आर ए लिखी जाओ, पर इनको ये नहीं पता भी नकल के लिए अकल की जरूरत होती है, वो छोटी क्लास में आपने देखा होगा कि ये बूटी लगा रहा है, हम लोग तो बूटी कहते थे ना, वो बूटी लगा रहा है, तो बूटी के लिए वो होता ही था कि सवाल नंबर चार की जगह पांचवा छाप दिया, ये वो वाला हिसाब हुआ है। मैंने उसको ये किया कि जहां जहां बच्ची ने अभी तक बयान दिए थे, जहां जहां बच्ची से वकालतनामे साइन करवाए गए थे,
वो ओरिजिनल थे। उन वकालतनामे जो है ना वो खासकर राय खुर्रम साहब वाले, उसके अलावा शाहानी साहब ने बयान लिया था, उसके अलावा सईद रिंद साहब ने बयान लिया था, क्योंकि वो बयान जो है ना वो उन्होंने हमेशा के लिए लिए थे, तो वो सही लिए थे, तो मतलब साइन उनसे बच्ची से सही करवाए थे। मैंने उन सिग्नेचर से कंफर्म किया, सर कोई रब्त नहीं मिलता। देखिए चार अल्फाबेट भी जब आपने लिखने हैं ना, तो चार अल्फाबेट को लिखने का भी एक तरीकेकार है। एक बच्ची चार जगहों पे साइन करती है और परफेक्शन के साथ करती है, उसका जी एक जैसे ही रहता है, वो कभी ऐसे ऊपर वाला डंडा बड़ा और नीचे वाला छोटा ये नहीं कर रही, लेकिन इसमें वो मुकम्मल तौर पर चेंज है। सिर्फ जो जी है ना, आप पहला पहला अल्फाबेट पढ़ेंगे तो वो क्लियर हो जाएगा। मैं आप लोगों के साथ भी वो जो उसके पिछले शाहिद भाई के पास तो सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, शाहिद खान साहब ने मुझे इवन जब मैं इस केस में आया था तो शुरू वाले डॉक्यूमेंट सारे इन्होंने मुझे दिए थे, तो वो सारी जो है ना वो जी के अंदर ही सारी स्टोरी है। एक अल्फाबेट जी जो है ना वो इन लोगों का सारा भांडा फोड़ रहा है, मतलब इतने चार डिजिट का सिग्नेचर वो भी नहीं पूरा कर सके, वो भी कॉपी नहीं सही हुआ। अगर वो कॉपी सही हो जाता तो मेरे जैसा बंदा कम से कम ये जरूर कहता कि ऊपर वाली राइटिंग बच्ची की नहीं है, साइन बच्ची के हैं, क्योंकि मैं अपनी टेक्निकलिटीज जो मेरी समझ आती ना कि सिर्फ जो मेरी है तजर्बा जो मेरा है, मैं उस हिसाब से देख रहा था, तो वो सर मैच नहीं हो रहा, वो कतन आपस में उनका मैच नहीं हो रहा, तो ये 100% फेक है। सेकेंडली इसकी हार्ड कॉपी इनके पास नहीं है, इसकी सॉफ्ट कॉपी है सिर्फ खातून डॉक्टर साहबा के पास, नफसियाती डॉक्टर साहबा के पास। नफसियाती का मतलब ये नहीं कि पागल है, नफसियाती का मतलब है कि वो नफसियात वाली डॉक्टर साइकाइट्रिस्ट है, साइकाइट्रिस्ट। अच्छा जट साहब, सर एक और चीज के जो हाथ से लिखी डॉक्टर साहबा की रिपोर्ट थी जिसमें डॉक्टर साहबा फरमा रही है इस इंसिडेंट को रिपोर्ट कर रही है जिसमें हाथ से लिखी, उसकी राइटिंग और बच्ची का जो ये खत है इसको जरा मैच कर लें तो फिर अंदाजा हो जाएगा कि वो दोनों राइटिंग एक जैसी हैं। असल में शायद भाई मैं उस वो जो बच्ची जो इसने डॉक्टर साहब ने हाथ से रिपोर्ट लिखी हुई है ना, उस रिपोर्ट में आपको चूंकि पता है आपने भी पढ़ी है, वो उसमें चीजें इतनी ज्यादा थी कि वो रिपोर्ट के ऊपर हम बात ही नहीं करना चाहते थे। वो जो जिसके अंदर इसने बच्ची के ऊपर जुल्म गिनवाए हुए हैं उसके ऊपर हम बात नहीं करना चाहते थे ना, वरना तो वो एक सेकंड का काम था, हम दोनों पेजेस लगा देते, खत्म हो जाना था इशू, पहले दिन ही खत्म हो जाना था। अब प्रॉब्लम हमारी ये है या हमारी मजबूरी ये है कि उस रिपोर्ट के अंदर जितनी चीजें लिखी हुई हैं, वो जो इख्तलाफ हमारा कुछ दोस्तों के साथ है कि बच्ची को कमोडिटी ना बनाए, मतलब बच्ची के बारे में जब आप सोशल मीडिया के ऊपर बात करें तो कम से कम ऐसी बात ना करें जिससे कल को बच्ची जब जिंदगी जीने लगे नॉर्मल लाइफ में आए तो वो वाला थंबनेल पढ़ के बच्ची घर से ना निकले। तो उस रिपोर्ट के अंदर चूंकि ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, तबसरा नहीं कर सकते, मजबूर है, हालांकि वो माँ बाप के हक में जाती होंगी, हालांकि वो माँ बाप को मैं कहता हूँ हजार गुना फायदा देती होंगी, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो चीजें ऐसी हैं ना, वो शायद हुसैन कर सकता है ना शायद सिकलैन कर सकता है ना मैं चेत कर सकता, हमारा प्रॉब्लम ये है। बाकियों ने तो सुनी सुनाई लेके चल ही जा रहे होते हैं ना, उससे मिलती जुलती बात होने जरूरी है, लेकिन हम नहीं कर सकते। सर जट साहब, बहुत सारे दोस्त पता है क्या, सर मेरी थोड़ा सा मिजाज ऐसा है आज दिन कसारी वाला, असल में ये सीन सारा कुछ हुआ 4-5 दिन जो पिछले गुजरे ना सर, मतलब पहली तारीख से लेके आज तक, लोग असल में पता है क्या, बहुत सारी दूर जगहों से बैठ के रिपोर्ट करते हैं, हम वहां खड़े होते हैं। अच्छा अगर मतलब मिसाल के तौर पर हम नेगेटिविटी की तरफ भी जाते हैं तो एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते, अगर पॉजिटिविटी भी जाते हैं तो एक्सट्रीम पे नहीं जा सकते, हमें बहुत सारी चीजों को देखना पड़ता है, यानी कि ग्राउंड पे खड़ा होना है, आपने वहां खड़े होकर रिपोर्ट करना है। तो बहुत सारे दोस्त जरा थोड़ा सा इस तरह भी नाराज थे, यार देखें आपने तो यूं कह दिया यूं कह दिया, मैंने तो पहले दिन भी कहा था देखें, मैंने उनकी सबने वीडियो वो जो पहला वाला इंटरव्यू था जिसमें कह रही थी कि शाला रजा ने उनको जान से मारने की धमकियां दी और सब कुछ किया, सबने पब्लिक किया, आप देख सकते हैं मैंने पब्लिक नहीं किया, मुझे कैफियत चूंकि मैं खुद देख चुका था, बहुत सारे लोगों ने नहीं देखा था उन सारे सीन को, सिर्फ इंटरव्यू देखा, लेकिन मैंने तो कोर्ट रूम के अंदर देखा, इसलिए तो उनकी कैफियत देख के तो जैसा आपने उनके सारे मामले को रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया, क्योंकि हेल्थ डिपार्टमेंट के लोग भी ये सारा सीन बैठ के देख रहे थे, वुकला और जजेस भी देख रहे थे, दीगर जो आम लोग बैठे होते वो भी देख रहे थे, इसलिए वो उन्होंने रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनाया। दूसरा ये है कि अगर वो कह रही कि उनको जो है वो इंसाफ चाहिए, सलाउद्दीन पवर साहब से इंसाफ चाहिए, सर मामला ये है कि अगर उनके साथ ना इंसाफी हुई है तो वो महकमे सेहत से हुई है, हेल्थ डिपार्टमेंट से हुई है, वो अदालत से नहीं हुई। अच्छा फिर अच्छा ये सीन को लेके अगर डिस्कस करना भी अगर किसी की तजहीक है तजलील है तो सर फिर तो मेहदी काजमी साहब को तो आपने जिन बना दिया, उनके खिलाफ तो क्या कुछ नहीं कहा, तो इसका मतलब ये है कि उनकी तजहीक जायज है, जिसकी जिसकी घर से बेटी चली गई
जिसके ऊपर कीचड़ उछालने में क्या कसर नहीं छोड़ी। और अगर डॉक्टर साहब के इस एक्ट के बारे में भी बोल दिया तो बहुत सारे लोग नाराज हैं। सर एक और चीज, शाहिद भाई की तरफ जाएंगे, एक और चीज मैंने आपसे पहले भी कहा था, बल्कि शाहिद भाई को भी बताया था कि डॉक्टर साहब के आने जाने की जो 3 उन्होंने 2 दिन जो है वो नॉर्मल में वे में उन्होंने विजिट किया था मेडिकल भी साहब के घर पे, यानी कि 26 और 28 तारीख को, और 29 तारीख को बिन बुलाए या बिन बताए चली गई थी और जबरदस्ती उनके घर घुस गई थी। 28 तारीख की रात इनके मामला खराब हो गए थे। मामला मतलब ये कि फोन कॉल्स रात को उठ उठ के और इस तरह की बातें जिसमें वो सवाल कुछ और कह रहे हैं उसमें जवाब आ रहा है वर्ल्ड वॉर 3, और दिसंबर में जो है वो 2022 में इमरान खान वजीर आजम बन जाएंगे, इस तरह व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेजेस कर रही थी डॉक्टर साहबा। तो कहने का मकसद ये है कि उन सबके पास रिकॉर्ड पर मौजूद है। अच्छा, तो उसके बाद फिर उन्होंने इस बात पे बात करना छोड़ दी थी कि संजीदगी का अंदाजा हो गया था, और बाकायदा तौर पर महकमा सेहत को भी आगाह कर दिया था उसी दिन ही कि डॉक्टर साहबा अब इस हद तक आगे चली गई, अब ना जाने क्या सूरत हाल हो गई है। तो उनका जो एहतजाज बनता है या उनके साथ जो अगर ज्यादती हुई है तो सेहत डिपार्टमेंट से हुई है, कोर्ट की साइड से हुई, लेकिन वो इंसाफ लेने के लिए कोर्ट पहुंच गई। और यहाँ पर सर जो कुछ हुआ यकीन माने जाहिर है वो मेरे लिए तो मैं अभी भी कहता हूँ कि काबिले एहतराम है, हालांकि बहुत सारे डॉक्टरों ने कुछ मुझे भी धमकियां लगाई, पता नहीं क्या कुछ हो गया है। तो उन्होंने जो कुछ किया यकीन माने जो लेडीज पुलिस एहलकार थी वो बेचारी शर्मिंदा हो रही थी कि अब क्या करें, रजिस्ट्रार साहब का ऑर्डर है कि इनको बाहर भेजें, बाहर उठ के जा नहीं रही। अब मैं चूंकि रिकॉर्ड करते हमें शर्म आ रही थी, हमने वो रिकॉर्ड भी नहीं किया क्योंकि हमें फिर रोज जाना है, मतलब ये आधी टाइम के लिए 2 मिनट के लिए नहीं थे कि रोड पे चलते हो हम थोड़ा वीडियो बना के निकल जाएंगे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन उसमें चीजों में रोज जाना होता है। तो उस पर भी लोगों को ऑब्जेक्शन है कि डॉक्टर साहबा के साथ ज्यादती हो रही है, हालांकि ज्यादती तो इस मेहदी काजमी साहब के साथ हुई, उनके खानदान के साथ हुई। डॉक्टर साहबा के साथ अगर ज्यादती हुई भी है तो आप महकमा सेहत से जाके पूछें। यार शायद शायद भाई भाई मुझे एक बात बताएं। जी, मुझे एक बात बताएं। मैं हैरान हूं कि महकमा सेहत में कोई ऐसा बंदा नहीं था जिसको ये अंदाजा हो या जिसने इससे को बातचीत की हो इस डॉक्टर से कि इस बेचारी को वाकई ट्रीटमेंट का जरूरत है। और मैं हैरान हूं उस शख्स पे, पता नहीं किसने इस बोर्ड में या इस टीम में ऐसी डॉक्टर साहबा को शामिल किया। तो मतलब इस पे तो मेरा ख्याल से, मैं तो ये सोचता हूँ कि अदालत को भी इसके ऊपर करना चाहिए था महकमा सेहत वालों को, क्योंकि भाई जी आपका तो आपके अपने मामला आदि हैं। इसका मतलब है में कि पता डॉक्टर चल साहबा जाती को है और भी कहते कि यार तो बहुत ही बड़ा मसला है। जिसके बाद ये है कि डॉक्टर साहबा ने बकायदा जिस बंदे ने उसको भेजा इस बोर्ड में, मेरा ख्याल से तो उनकी भी सेहत का चेक करना चाहिए कि उनकी दिमागी हालत क्या है। क्योंकि जाहिर है अगर ऐसे शख्स को लगाने वाले बंदे को ये पता ही नहीं है, हम देखें दूर बैठे हैं, आप तो वहां देखते हैं, हम दूर बैठे हैं। पहले दिन जी जब जी उन्होंने बाहर मीडिया अटैक की या जो कुछ हुआ, ठीक है, बिल्कुल सिर्फ उसको देख के हमें अंदाजा हो गया था या उनकी हरकत और शक्लात देख के हमें अंदाजा हो गया था कि वो जो अल्लाह उन पे अपना करम करे और अल्लाह खैरियत रखे उनके लिए, कि जी उनकी अपनी मामला ठीक नहीं है, उनको जरूरत है, उनको काउंसलिंग की जरूरत है, उनको मजीद चीजों की जरूरत है। और उसको उन्होंने बकायदा तौर पे बना के और बिल्कुल साइकेट्रिस्ट और पता नहीं लोगों का इलाज भी करती होंगी यकीन अस्पताल में, और सेशंस भी देती हैं वो। उन्होंने लिखा हुआ है कि ला मेरे साथ सेशन के लिए आप मुझसे रابطہ करें। तो मैं तो यार आपने किया वाकई, है। शायद नहीं, मैंने भी लिखा, तो मैं तो सर हैरान हूँ आपके। मैं मुझे तो बल्कि अब परेशानी होने लग गई आपके सिंध वालों के लिए कि अगर खुदा न खास्ता आप लोगों को कभी डॉक्टर की जरूरत पड़ी तो आगे डॉक्टरों का ये हाल है जो मतलब आपके करते धरते हैं, उन्होंने ये डॉक्टर रखे हुए आप लोगों के लिए। तो आप लोग भी जरा इस पे सर बात करें, आप लोग जरा इस पे सोचें कि खुदा न खास्ता वहां पे इंसान ही बसते हैं, वहां पे सारे लोग जो हैं वो डॉक्टरों के पास भी जाते होंगे। अगर साइकेट्रिस्ट का ये मामला है तो कल को अगर आपके पेट में दर्द हो गया या आपकी आंख खराब हो गई या आपके कान में दर्द हो गया और आप किसी ENT के पास चले गए और वो नहीं ऐसा ही सर, हुआ तो फिर क्या करेंगे सर? सर वैसे मेहदी कासमी साहब को भी और जिब्रान नासिर साहब भी वैसे माशाल्लाह उनको भी इस केस में इतने तोहफे मिले, शाहनी साहब आपके सामने, ये इससे उनका पहले कि नसीब सईद है, थेम साहब ये उनका नसीब है। उनका वैसे सर मामला सीधा यकीन उन्हें करें, शायद भी सॉरी मुझे आपकी बात काट रहा हूँ। मैं जब ARY में था ना, 2013-14 की बात है, आपको एक मजे की बात बताता हूँ। तो बिकॉज मैं, आपको पता है, ARY में था तो मैं वसीम बदामी के साथ था ना, वसीम बदामी जी जब वसीम बदामी तो मुझे ना 1 महीने के लिए कराची बुलाया जाता था जब ये रमजान ट्रांसमिशन होती थी और मैं कराची होता था, तो वहां से हम लोग देखते थे चीज। तो आप यकीन करें मतलब मैं ये उससे हटके बात कर रहा हूँ कि मैं जी हैरान होता था लोगों के इल्म की जो मतलब है, इल्म की जो बुलंदी है ना, बुलंदी इल्म की,
वो जी बल्कि जी उसके कुछ वीडियो क्लिप्स भी उसमें शेयर हुए हुए हैं सोशल मीडिया पे, बड़े वायरल है वसीम की रमजान ट्रांसमिशन के ना, मतलब जी इल्म की जी बुलंदी। मतलब उनसे जब पूछा जाता था ना कि आपको WHO या UNO का एब्रिवेशन पता है, और वो पढ़े लिखे लोग आते थे, ये नहीं है कि कोई अनपढ़ आता था, उन्होंने ऐसे जी BA जी किया हुआ था, ठीक है, और जब वो बताते थे ना एब्रिवेशन के, जी ये इसका ये मतलब होता है, तो मैं सर पकड़ के रह जाता था कि अल्लाह माफ करे। वहां पर बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत जबरदस्त काम वहाँ लोग कर रहे हैं, लेकिन जिस तरह तालीम का बेड़ा गर्क कर दिया गया ना वहां पे, अल्लाह माफ ही करे, नहीं आप सर, लोगों बहुत पे भी काबिल अल्लाह लोग रहम हैं, करे। बहुत काबिल लोग हैं, ऐसी बात नहीं है। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं वही कह रहा बहुत, हूँ कि लेकिन ये कि वहां पे बैड लक समझे कि बस वो बीच में तोहफा शानी साहब आ जाते हैं, बीच में कोई और तोहफा आ जाता है, बीच में कुछ और तोहफा आ जाता है। अब शानी अरे साहब को कश्मीर भेज दिया समझ लें कि वो कहते हैं कि काले पानी की सजा उनको मिल गई है, लेकिन काला मामला पानी वाकई थोड़ी में है, शानी साहब वहां भी अपना सिलसिला चला लेंगे कश्मीर छोड़ वालों को सजा मिली है, वो के। शानी कश्मीर वालों को साहब सजा दिया। शानी साहब को नहीं मिली है। शानी साहब दोनों भी ठीक है मामा, वो तो एंजॉय उनको करेंगे, शानी साहब जो तो वहां एंजॉय मिले करेंगे, वहां शायद वो हुसैन नहीं होगा ना सवाल करेगा, सवाल नहीं करेगा कोई, सबसे ज्यादा इन शायद हुसैन से परेशान थे वो, शायद भाई ने कोई सवाल किए उनसे यार, और दूसरा ये है कि वहां हद पे से बारिश ज्यादा की अल्लाह सवाल का, करते बारिश भी कम होता कि शानी साहब के सबूत ना बारिश में जाए हो जाए। थे। वैसे मैंने एक दफा उनसे पूछा कि आप जरा ये बताएं कि चूंकि बच्ची आ चुकी थी, उन्होंने एज का जो मेडिकल सर्टिफिकेट था उसमें एज के लिए जो बनाया गया था मेडिकल बोर्ड, तो मैंने उनसे कहा कि अब बच्ची वापस आप भेज रहे हैं तो अगर दोबारा जरूरत पड़ी तो कैसे बच्ची को वापस लाएंगे। देखिए बाबा, बात यह है कि जिस स्पीड से अभी लाए हैं ना, उसी स्पीड उससे डबल स्पीड पे वापस लाएंगे, मसला नहीं है। तो मतलब ये से है कि तो बहरहाल नहीं, अब बड़े अल्लाह जब अच्छे रहम करे। भले तो आदमी थे यार शायद, हाँ, मतलब अच्छा उन्होंने तो वो स्टोरी सुनाए, वो स्टोरी सुनाए जो उन्होंने निकाह खान की, जो गिरफ्तारी निकाह खान और गवाह दोनों को लाहौर से किया, एक की गिरफ्तारी दूसरे लाहौर से डाल दी, दूसरे की जाके कराची के साथ डाल दी, तो उसकी एमए लॉजिक एमए क्या थी एमए उन्होंने। जनारो से, नहीं वो यहीं पे कह रहे थे कि मिला है बस, हाँ लेकिन क्या वहां बस से बताया गया कि उतरे, बस बस से चूंकि वहीं से उतरा कौन था तो इसलिए बस से उतरते ही डाल सा दी, टावर है वो, कोई पता नहीं उसके पास आस पास सी कहीं ब्रिज या एमेजना रोड पे। जी एमेजना जी रोड। तो ये सुना था सर, कुछ और फरमाए सर क्या आप सुनना पसंद और करेंगे, गजल गीत सर, आप? लाहौर में स्मॉग इस हद तक ज्यादा बढ़ी हुई है, ये सारी तबीयत जो है ना, वो ये जिसको आप कोई और रंग देने की कोशिश कर रहे थे ना, रंग नहीं बाजी रंग नहीं करने की सर, कोशिश कर रहे थे। नहीं, मैं सही बात कर रहा था। अच्छा अच्छा नहीं मैं मुझे ये बताएं अपना अहमद भाई, मैं फिर यार आपसे एक चीज मुझे बताएं, लाहौर में ना कुछ चल रहे थे मामलात अदालतों में, उसके हवाले से आपने अभी कोई अपडेट नहीं किया, उसकी वो डेट्स वेट्स लंबी पड़ गई थी हाँ मैं बता देता हूँ, या? मैं बता देता हूँ, नहीं, लंबी नहीं डेट्स नहीं सर, असल में लाहौर के अंदर ना दो केसेस चल रहे थे, जी, एक है जो जैक्टिटेशन तकजीब निकाह, अच्छा उसके अच्छा अंदर माजा 9 तारीख है। एक जी एक जी सर एक चीज छोटी सी, बुशरा शकील साहबा फरमा रही हैं, वो भी देख रही हैं, वो कह रही हैं कि शानी साहब मेरे सवालों से भी परेशान हो गए थे, तो वाकई परेशान हो गए थे सर। नहीं नहीं ठीक कह रहे हैं, बल्कि नहीं नहीं मतलब सर बुशरा को बताएं कि पहले तो वो दूर था ना, अब वो राजनपुर से सिर्फ अगले जिले के हाँ अंदर थोड़ा, है, इजीली हाँ थोड़ा एक्सेस कर सकते हो एक एक या चक्कर, एक आगे। चक्कर लगा ले कश्मीर का, एक चक्कर लगा बुशरा ले साहब, बच्चे कश्मीर। बुशरा साहबा के लिए और उनकी हाँ बच्ची के लिए बहुत सारी दुआएं, एक बिल्कुल, चक्कर लगा यहां ले से ना। अब दूर नहीं, जी बिल्कुल। जी जी सर, आप केसेस का बता रहे थे। अच्छा सर, दो केसेस थे बेसिकली, एक था जैक्टिटेशन जी तकरीबे जी निकाह, और दूसरा केस था कमसन मगविया के नाम से वालदैन के खिलाफ कि मेरा निकाह तस्लीम करें। अब हुआ ये कि इन दोनों केसेस को इकट्ठा करने के लिए ये मुलजमान के वकला ने मुलजमान के साइन करके एक वकालतनामा दाखिल करके एक दरखास्त दे दी सेशन जज साहब को 29 जो तारीख को, एक दिन में मतलब जो दरखास्त साइन उन्होंने करते हैं पहले दी 29, हाँ वो जो एक साइन ना, वो एक दिन में 29 साइन तारीख के लिए करते उन्होंने नोटिस करवा दिया ये दरखास्त फाइल करके, ये ट्वेंटी नाइन दोनों के लिए। मुकदमात को ना इकट्ठा डिसाइड हो जाने दें, एक उस कोर्ट में चल रहा है एक उस कोर्ट में, तो वो मुनासिब बात थी, जायज बात है ना कि दोनों केसेस एक ही इशू के हैं, एक ही निकाह के ऊपर है, तो एक कोर्ट में हो सकते हैं, अलग अलग नहीं होने चाहिए। उसके ऊपर जब होता ही है कि सेशन जज के पास ये दरखास्त जाती है और नोटिस हो जाते हैं, तो नीचे वाले जो जजेस होते हैं सिविल जजेस, वो वेट करते हैं कि सेशन साहब डिसाइड कर लें,
क्योंकि सेशन जजी समान थोड़ा बहुत तो काम करते हैं, तो उनका जरा रिगार्ड रखा जाता है कि उनका वेट किया जाए। उसमें सूरत हाल ये थी कि 29 तारीख को हमारा ना वकालतनामा अभी नहीं पहुंचा था, तो हमने उसमें वकालतनामा सबमिट करना था। अब 9 तारीख के लिए वो रखा गया, 9 तारीख को ही तकरीबे निकाह वाला है और 9 तारीख को ही ये कंसोलिडेशन, जो दोनों मुकदमा को इकट्ठा करने की दरखास्त है, और जो बच्ची की तरफ से केस है वो 12 तारीख में है। तो पहले 9 को हम सेशन जज साहब के पास पेश होंगे, इनकी वो दरखास्त खारिज करवाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद वो 9 तारीख वाले तकरीबे निकाह भी आपको अपडेट देंगे कि जो असल में उसका एक लाया अमल है उसको किस तरीके से कहाँ पे कैसे चलाना है। और तीसरा जो 12 तारीख को लगा हुआ है वो 12 तारीख को ही, अगर जज साहब अवेलेबल हुए, छुट्टी पे ना हुए, तो 12 तारीख को वो भी डिसाइड हो जाएगा। मतलब लाहौर के अंदर से 12 तारीख तक जो चीजें दूसरी साइड से हैं वो खारिज करवा दी जाएंगी, दो केसेस उनके खारिज करवा दिए जाएंगे, एक 9 को इंशाल्लाह होगा और एक 12 को होगा। ठीक है, गुड है, ग्रेट। बस क्योंकि इसकी वो, क्योंकि इतनी ज्यादा चीजें साइड असल में कोई खास डेवलपमेंट नहीं थी, कुछ डेवलपमेंट नहीं थी, तो इसलिए ना मैं उसको चाह रहा था कि मतलब उसके अंदर थोड़ी सी, आपको पता है कि लाहौर वाले में जरा थोड़ी बहुत कारीगरी की जरूरत होती है, वो कर रहा था मैं, तो इसलिए उस चीज को मैं इस हद तक ही डिस्कस कर रहा था कि थोड़ा सा उसके अंदर कुछ ऐसी चीजें हैं कि जिनको वो सरप्राइज रखे हम, कि वो सरप्राइजिंगली ही उनके सामने है। आप चाहेंगे 9 तारीख को अदालत की सर आपने क्या रखिए जज साहब, आपने कोई तिकड़म लड़ाया था, जहीर आज सिटी कोर्ट में घूम रहा था, तो उसमें तिकड़म में आपने क्या पकड़ा, क्या हुआ? तकलीफ है, वो कहता है बाप बेटी से मिल रहा है, माँ बाप बेटी से मिलकर वो जो 6 महीने के अंदर हमने अपना एक नैरेटिव बनाया था कि बच्ची माँ बाप से नफरत करती है, वो नैरेटिव तबाह हो रहा है। उस नैरेटिव को दोबारा बिल्डअप करने के लिए माँ बाप की जो मुलाकातें हो रही हैं इसके ऊपर कुछ एतराजात के हवाले से दोबारा उसने अदालत से रजू कर लिया। कुछ चीजों की तफसील जो है ना, वो मैं चाहता हूँ कि वो शाहिद भाई को पता है कि वो उन चीजों के लिए हमने मंडे का टाइम रखा है कि वो मंडे को हम उनको सरप्राइज दें, कि वो जो अपनी तरफ से छुप छुप के जाते हैं, तो ये छुप छुप के कभी बावलपुर जाते थे, कभी मुल्तान जाते थे, कभी कहाँ जाते थे, फिर कराची में शाहिद भाई खुद बैठे हो, तो कराची में तो हम छुपने नहीं ना देंगे शाहिद भाई के होते हुए। तो हमारी नजर जो है वो हर खबर पे नजर होती है, शाहिद भाई हमारा पक्का सोर्स है, अनाउंस सोर्स है, लोग सोर्स को छुपाते हैं, हमने अपना सोर्स डिक्लेयर कर दिया, हम बताते हैं, हम बताते हैं, हर वीडियो में बताते हर वीडियो में बताते हैं, सिलसिला ये है कि मैं ताकि कल को शाहिद भाई पे ही हो जो भी। नहीं 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 मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों ने एवं उनको चुल हुई है, तो कुछ लोगों ने ना अपनी फनकारी लगाई है, इनके कुछ कमेंट्स किए थे, तो मैंने उधर जाकर उनको कमेंट किए हैं कि वो जो भी आप कह रहे हैं ना उसको जरा एक्सपीडाइट कर दें काइंडली, एएसएपी वो कार्रवाई करवा दें शाहिद हुसैन के खिलाफ, हम मजीद जानना चाहते हैं, क्योंकि जरा जब कोई कार्रवाई करता है तो देखिए ना, सिंध हाईकोर्ट के अंदर एक बंदा अपना जवाब देने जाता है तो उसके एफिडेविट से पता चलता है कि वो किसका मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता है। सिंध हाईकोर्ट के अंदर एक कराची का यूट्यूबर जो है ना, वो लोगों के मोबाइल नंबर इस्तेमाल करता है, वो एफिडेविट में अपना नंबर नहीं लेके आता ताकि हाईकोर्ट के मुलजमान में उसका रिकॉर्ड ना बने, और रिपोर्टली पता चला है कि वो वाला नंबर कई दफा पहले इस्तेमाल किया गया, एक एफिडेविट हाईकोर्ट में जमा करवाना पड़ता है। तो वो इस तरह की चीजें जो है ना वो छुपती नहीं है ना, फिर खासकर शायद भाई आपको पता है कि एक तो बंदा वकील हो, फिर माड़ा मोटा जो है ना वो प्रोफेशनल वकील हो, जिसकी वकालत ही ओढ़ना बिछोना और रोजी रोटी उसकी वकालत ही हो, तो वो फिर वकालत में पूरा डूबा होता है, वो अपनी अदालतों को कम से कम नहीं छोड़ता, तो हमें तो पता है कि अदालतों में क्या हो रहा है, तो इसलिए वो चीज हमसे तो छुपनी नहीं थी। मैं तो शायद भाई को पूछ लें, मैं तो यहाँ बैठा, इनको पूरी कार्रवाई पहले ये मुझे भेजते हैं, फिर उसके बाद मैं भी थोड़ी सी कार्रवाई भेजता हूँ, हम लोग आपस में कार्रवाई जो है ना वो उसको काउंटर चेक कर रहे होते हैं कि मेरे पास क्या पहुंची और आपके पास क्या पहुंची कार्रवाई। सर जट साहब आपको पता है कि देखिए काम करना है प्रोफेशनल अंदाज से, ठीक है, किसी से जाति दुश्मनी नहीं है, ठीक है, जो हक है और सच है, जो एक मुतासर खानदान के साथ जाति हुई और अब तक होती हुई आ रही है वो चीज हम रिपोर्ट कर रहे हैं। उसमें बहुत सारी कम्युनिटी के लोगों को बुरा लगता है, बहुत सारे डॉक्टर 2-3 दिन से नाराज हैं, मुझसे खासतौर पर नाराज हैं कि ये मैंने कोई गलत काम किया है या अगर न्यूज रिपोर्ट की है तो मैंने गलत चीज की है। मामला ये कि मुझसे कहीं ज्यादा तो लोगों ने बढ़ा चढ़ा के पेश किया है, मैंने तो वो चीजें की ही नहीं है जो शायद करते बहुत ज्यादा नेगेटिव जा सकती नहीं, इसलिए एक बंदा है कराची में,
अपनी तनख्वाह उसकी बढ़ती नहीं है, उसने एक अच्छी खासी को लाख डेढ़ लाख तनख्वाह वाली डॉक्टर को भी नौकरी से निकलवा दिया। अच्छा उसने कहा भी ना खेलना ना खेलने देना। अच्छा मैं नाम नहीं लूंगा, डोंट वरी शायद भाई, डोंट वरी, मैं नाम नहीं लूंगा, मैं एक चीज बता रहा था कि डॉक्टर साहबा ने जैसे एक सूट का इल्जाम लगाया था कि मैं एक आदमी साहब के घर गए थे, तो उन्होंने हाँ उन्होंने 5,000 रुपए भी दिए और एक सूट भी दिया। सर मैंने वो सीसीटीवी फुटेज निकलवाई। अच्छा सीसीटीवी फुटेज, बहुत सारे लोग नाराज हो गए थे कल, तो मैंने वो पब्लिक आज करनी थी वैसे नहीं की। वो सीसीटीवी फुटेज मैंने तकरीबन ज्वाइन की 5.5 मिनट की है मजमुई तौर पर, यानी कि 3 दिन वो जाती रही है। तो उन वो जब उनके घर गई और वापस निकली, कितनी देर रही और कितनी देर तक गली में उनका जो चक्कर लगता रहा, वो सारी सीसीटीवी फुटेज से वाजे होता है कि कोई इजाफी चीज उनके पास नहीं थी। तो वो वाला इल्जाम के मेहदी कादमी साहब ने इनको सूट दिया था, तो वो उनके पास सूट की का महज एक इल्जाम ही है। फूड पांडा से गया सर, वो जो कोर्ट में रैपर जिसमें वो पैक था वो फूड पांडा का था। अच्छा वो इल्जाम था कि एक दिया है और कोर्ट रूम में जब चीजें आई तो वो दो थी, यानी कि वो दो कहां से हो गई। और उसके बाद फिर जो उन्होंने जो बैग उठाए हुए हैं, एक एक जो खवातीन का जो एक कैरी बैग होता है वो था, एक दूसरा एक शॉप हाँ एक, लेकिन उनकी जो एक मोटाई थी वो जाते वक्त भी सेम थी आते वक्त भी सेम थी। और सूट जो हमने कोर्ट में देखा वो तकरीबन इतना मोटा था, यानी कि वो उसकी चौड़ाई और मोटाई इस तरह थी कि बैग की जो उसकी वेट था उसके बराबर लग रही थी। तो फिर वो हाँ, लेकिन वो किस तरह उनके पास चला गया, किसने दिया, मेहदी कादमी साहब उसको इनकार कर रहे हैं, और इसी वजह से हमने उसका सीसीटीवी फुटेज देखा, मैच किया कि वाकई ये बात दुरुस्त है या गलत है। तो बाकी वो बात उनकी भी, ये वाली बात भी उनकी गलत थी कि उनको कुछ सूट वूट किसी ने नहीं दिया। जो इल्जाम लगाया वो महज इल्जाम ही है। शायद भी देखें इल्जामात भी हैं, और देखें मैं फिर वही उसी बात पे आता हूँ। देखें एक चीज कॉमन सेंस होती है ना, आम मतलब आम फैम बात होती है जो लोगों के समझने की होती है। आम आम आदमी जो एक नॉर्मल जहन रखने वाला बंदा भी है उसको भी इस चीज का आइडिया होता है कि यार एक डॉक्टर, देखें इसमें कोई शक नहीं, फर्ज करें मतलब मैं शैतान का वकील डेवल्स एडवोकेट बन जाता हूँ, शैतान ये जो अहमद भाई वाले शैतान है उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, वैसे ही शैतान की बात कर रहा हूँ ठीक है। तो अगर मैं शैतान का वकील बन भी जाऊं और मैं ये कहूं कि जी ठीक है अली काजमी साहब जो है, जैसे किसी वैसे ये होती है रवायात होती है कि अगर आपके घर पहली दफा कोई खातून आए तो उसको या तो पट्टा देते हैं सूट देते हैं, और ये हर जगह है, ये कोई इससे इसमें बुरी बात नहीं है, लोग देते हैं कि अगर कोई पहली दफा आ गया तो उसको कोई सूट या इस तरह की चीज दी जाती है, लेकिन वो ब्राइब या रिश्वत खुदा न खास्ता हरगिज नहीं होती कि जी आप हमारी फेवर करें या इस तरह का काम करें। वैसे भी अगर आपके घर में कोई मेहमान आ जाए तो आपको खुश होती है, आप उसको कोई गिफ्ट दें। लेकिन मैं हैरान हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने ना, मतलब मैं फिर वही उसी बात पे आता हूँ कि मैं हैरान इसलिए हूँ कि डॉक्टर साहिबा ने जो पैसे का कहा है वो 5,000 रुपये, और 5,000 रुपये बहुत थोड़े पैसे होते हैं ठीक है। 5,000 तो आजकल कोई बच्चा भी अगर आपके घर में है ना, फ्रेंकली स्पीकिंग, तो आप उसको भी देते हैं कि चलो यार ठीक है, मतलब कि बस हल्का फुल्का ही कर लें। मतलब एक डॉक्टर आई है जिन्होंने आपकी बच्ची का केस डिसाइड करना है, जिन्होंने आपके या आप फेवर में या आपके अगेंस्ट रिपोर्ट बनानी है। मेरा ख्याल से तो अली काजमी साहब ने अगर रिश्वत देनी भी थी तो कम से कम 50,000 रुपए तो देते 5 की जगह ना, ताकि रिपोर्ट जरा अच्छी बने ठीक है। जब कॉमन सेंस की बात है ना, मतलब यार एक बंदा आपके घर आया हुआ है जिसके हाथ में फैसला है, कल को अहमद भाई मेरे पास आते हैं रिपोर्ट ही आएगी, वही 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 हाथ से लिखी आएगी, फिर कंप्यूटर से टाइप 5,000 खुद सोचे ना कि यार मतलब यार आप इल्जाम लगा रहे हैं तो कम से कम बड़ा इल्जाम लगाए गए 50,000। शायद वो ये था कि 50,000 फिर इकट्ठे करके उधर कोर्ट में दिखाने भी पड़ते कि 50,000 रुपया इन्होंने मुझे मतलब पाइप किया। तो ये मतलब कुछ समझ नहीं आती कि यार आप एक इल्जाम लगा रहे हैं, एक बात कर रहे हैं, कम से कम इतनी तो करें कि कल को कोई एतबार करे। मतलब आप वो झूठ बोले जिसके ऊपर लगे कि यार चलो सच है थोड़ा बहुत। मैं हमेशा इनकी वीडियोज के हवाले से भी अक्सर अपनी वीडियोज में कहता हूँ यार मतलब ऐसा झूठ बोले जो कम से कम लगे तो सही के साथ है। आप ऐसा झूठ बोलते हैं जिसका साफ पता चलता है कि झूठ है। तो नहीं एक शायद भी एक पता क्या होता है कि बहुत सारे लोगों में ये मसला है कि जो अगर बात करें ना तो हम ही सिर्फ सच बोलने वाले हैं, इसके अलावा जितने भी सारे लोग हैं वो झूठे हैं, झूठे यूट्यूबर, झूठे लोग, झूठे झूठे क्या है यार। मतलब पहली बात सबसे बड़ा झूठ तो ये है कि आप उस लोकेशन में नहीं है जिसके बारे में आप खबर दे रहे हैं, उस जगह पर नहीं है, आप उस पॉइंट पे नहीं है, आप उस लोकेशन में नहीं है। एक दफा हुआ है तो वो एक दफा तो आया ये डॉक्टर को लेके आया है डॉक्टर सर जिनके बारे में बात कर रहे हैं, मैं उनके बारे में नहीं बोल रहा, मैं वैसे जनरल बात कर रहा हूँ। अच्छा जनरल उसके बारे हमने समझा आप सब, हमने ये समझा जट साहब असल में जट साहब सर देखें बैठे हुए लाहौर में नहीं, मैंने भी समझा
नहीं 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 यकीन आपने था वही मैंने सर... भी वैसा, मैं भी वैसा नहीं हूँ, नहीं क्योंकि नहीं सर देखे मैं सीधी सी बात है, मतलब आप कह रहे हैं ना कि आप जहाँ की खबर दे रहे हैं आप वहां होते नहीं है, तो एक ही बंदा जो होता नहीं है नहीं आजकल सर रात को मैं तंजिये उन करते उनकी उनकी बात नहीं कर रहा। मैं वैसे एक जनरल बात कर रहा हूँ कि अच्छा जिस जनरल जगह बात पर है। आप लोकेशन में, मतलब मिसाल के तौर पर आज फिरोज खान वाला केस था, हमने वहां लोकेशन पे खड़े होकर चीजें देखी, वाकई में बड़ी तकलीफ दे वहां मनाजिर थे। हाँ तो अल्लाह ना जो कुछ करे, हमने खड़े होके वहां देखे, तो उसके बाद जो बाहर से बैठ के रिपोर्ट करेगा वो इमोशन कैसे लोगों को बता पाएगा। अगर आज बिल्कुल हम बोलते हैं जी मेहदी काजमी साहब के साथ जुल्म हो रहा है, ज्यादती हो रही है वो, तो हम उसको 6-6 घंटे कोर्ट में ख्वार होते देखते हैं। 8:30 बजे से पहले, 8:30 बजे से पहले वो रोज कोर्ट आ जाते हैं, पता है आपको, रोज कोर्ट के अच्छा किसी न किसी कोने खांचे में नजर आएंगे किसी ना किसी केस की वजह से। तो यार वो इंसान नहीं है, वो किस लिए फाइट कर रहा है, बेटी के लिए कर रहा है ना। तो उसके बाद फिर उसकी क्या करेंगे, दोपहर में शुरू हो जाएंगे अब रात तक, बल्कि अगले दिन तक, जी मेहदी कादमी जिन, मेहदी कादमी ये, मेहदी कादमी ये, उसकी बेटी ने ये कर दिया, वो कर दिया। अल्लाह के बंदे आप तो पूरा सपोर्ट करें, पूरी आप कहते ना कि इस तरह सपोर्ट करें कि दुनिया तब्दील हो जाए। आज लोग कहते हैं, अच्छा कुछ लोग जो है वो इल्जाम शुरू कर देते हैं कि भाई ये कल तो, बल्कि एक आदमी लगा हुआ था कि शाहिद हुसैन मेहदी कादमी के पेरोल पे है। तो मेहदी कादमी अपने सिस्टम चलाने के लिए उनको इतनी मुश्किलात हो रही हैं कि अपने मुश्किलात वो संभाल नहीं पा रहे, तो वो शाहिद हुसैन को वो जो है वो मतलब शाहिद हुसैन उनके पेरोल पे आ गया और शाहिद हुसैन को वो अफोर्ड करें, तो बस अल्लाह ही हाफिज है। अब क्या कह सकते हैं हम। हाँ नहीं तो नहीं इस है तरह की देखिए यार, शायद मैं अक्सर आपको कहता रहता हूँ कि यार मुझे जहां तक देखिए याद बात, पड़ता है सिर्फ एक दफा मैंने उनके पैसों की चाय पी है, एक दफा, वो भी उनकी बड़ी रिक्वेस्ट की वजह से मैंने पी है। उन्होंने बार बार मुझे कहा कि बस आज मैं ही पैसे दूंगा, इसके अलावा मैंने हाँ उनके साथ कभी बैठ के चाय भी नहीं पी। नहीं नहीं मैं देखें शायद भी देखें, आप रोज कोर्ट जा रहे होते हैं और आपका रोज आमना सामना होता है, और उसमें ये होता है कि जाहिर बात है अगर आप किसी की हक के लिए आवाज उठा रहे हैं ना, तो कुदरती तौर पे उन लोगों के ना दिल में आपकी इज्जत बढ़ जाती है। फ्रेंकली स्पीकिंग ये बड़ा एक ऐसे ही नॉर्मल नॉर्मल फिनोमिना है। हम यहाँ इस्लामाबाद में जब ये केस चल रहा था, मैं बार बार इसलिए जिक्र करता हूँ कि नूर वाला, जो नूर मुकदम वाला केस चल रहा था, यकीन करें मतलब एक तो आपकी इंसानियत के नाते उनके साथ एक जुड़ा हुआ होता है मामला, कि यार इंसानियत बिल्कुल भी तो कोई चीज है ना, सब चीजों से हटकर ठीक है बाकी मामला इंसान की जिंदगी में होते हैं, लेकिन कम अज कम अल्लाह ताला ने अगर आपको इंसान बनाया है तो आपका हक बनता है कि आप एक साइड पे खड़े तो हो जाए, ठीक है, बिल्कुल फिर आपकी हमदर्दी। अच्छा फिर वो लोग आके आपको, यकीन करें ऐसे ही होता है जैसे आप बता रहे हैं, वो लोग आपके आपके प्यार से मिलते हैं, उनकी बड़े आते हैं, खवातीन जो बड़ी बूढ़ी होती हैं वो आती हैं कोर्ट में, तो वो मिलती हैं, वो फिर आपको अप्रिशिएट करती हैं कि बेटा हम आपका काम देखते हैं, आप बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, आप इसी तरह फिर दुआएं देते हैं, ठीक है। अब उन लोगों के विचार देखें, एक वो उन लोगों का बेचारों का ऑलरेडी लॉस हुआ हुआ है कि उनके साथ एक बिल्कुल ज्यादती हो, दूसरा मामला ये है कि इस लाश के साथ साथ पाकिस्तान की अदालतों में केस जीतने के लिए बड़ी फीस के वकील करने पड़ते हैं। ये तो जिब्रान नासिर साहब को अल्लाह खुश रखे कि वो फ्री ऑफ कास्ट ये काम करते हैं, वरना आपको पता है यहाँ पे इस्लामाबाद में तो अल्लाह माफ करे जो फीसेज हैं वकीलों, ठीक है। फिर उसका दूसरा, वो उसकी फीस पे कर रहे हैं वकील की, एक उनके ऊपर वो प्रॉब्लम है। तीसरा ये है कि आप ये सोचें कि यार मतलब क्या वो मतलब इतने फारे गए कि वो मीडिया वालों को साथ पैसे भी दे रहे होंगे और और वो अपनी दूसरा शायद कंप्लेन भाई कर। सिलसिला पता है क्या चल रहा होता है, यकीन माने रोजाना रोजाना वो इस तरह चौकन्ने रहते हैं कि किसी टाइम भी उनके साथ कोई कांड हो जाता है, कांड हाँ समझते ना हाँ कि हाँ हाथ हो जाता है, कोई ना कोई नई नया हाँ कोई बीच में नया कोई करेक्टर आ जाता है, पता नई खुल कोई चीज आ जाता है, जाती हाँ है, तो वो उनके साथ रोजाना तोहफे किसी ना तोहफे किसी, हाँ तोहफे आते, नया कोई तोहफे कांड हो आते, जाता है, वो इसलिए परेशान रहते हाँ हैं कि यार मतलब ये क्या हो गया, मामला भी सुलझ रहा होता है, बेहतर हो रहा होता है, कोई ना कोई बीच में कोई नई चीज आ जाती है, फिर उसमें लग जाते हैं उसको बेहतर करने में, कुछ 4-6 दिन फिर उधर लग जाते हैं, मतलब जो मेन फोकस है बच्ची की तरफ वो टाइम जाया हो रहा है, यानी देखे कि ना नुकसान शायद हो भी रहा है। देखे, मैं मुझे ये बताया देखें, दो 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 इस केस के दो ना बड़े मकसद हैं, दो बड़े मकसद ये हैं कि एक तो यार वो बच्ची जो है ना सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट उसकी लाइफ है, सबसे ज्यादा बिल्कुल इम्पोर्टेंट, ठीक है। वो बच्ची देखे मतलब यार क्या एज होगी उसकी, 14 ईयर 15 ईयर, इस उम्र का बच्चा अगर माँ बाप के साथ ना रह रहा हो, अकेला रह रहा हो और पिछले 6 माह से अकेला रह रहा हो, उस बच्चे की जहनी हालत क्या होगी। शायद दूसरा भाई, दूसरा शायद भाई अगर आपका बच्चा चला जाए 6 माह से, और उन वालदैन की जहनी हालत क्या होगी, हम खुद वालदैन हमें पता है ना यार, मतलब ये तो नहीं है कि कोई मतलब कोई मौफूकुल फितरत तो कोई नहीं होता ना, इंसान होता है उसकी वही नेचर होती है जो एक आम इंसान की होती है, ठीक है। अगर आपका बच्चा 6 माह से आपके पास ही ना हो और आपको पता हो कि परले दो चार पांच सात गलियां छोड़ के या सेकेंड दूसरे मोहल्ले में आपके आप, लेकिन आप उससे मिल नहीं सकते, ये कितनी बड़ी अजियत वाली बात है, अल्लाह माफ करे, ठीक बिल्कुल है, अल्लाह किसी के साथ ये ना करे। आपको तो यार इंसान होते हुए किसी के साथ हमदर्दी होनी चाहिए, बजाय इसके कि
कि आप उसका मजाक उड़ाएं, आप ठट्ठे बनाएं, पता नहीं आप उनकी खानदान की शायद औरतों भाई, की चीजें निकाल शायद भाई, लाएं और पता नहीं एक क्या कुछ एक करें एक यार। मैं आपसे अर्ज करूं, एक अर्ज करूं, असल में आपने हमने एक बात बहुत पहले की थी कि यार इस केस से मुतालिक बहुत कम ही बात करनी है। कौन सा? निमरा काजमी वाला केस था, आपको याद होगा। जी जी निमरा काजमी तीसरी दफा घर से चली गई है, तीसरी दफा। अब माशा मैं एक और चीज नहीं कहना चाहता, आज सुबह बल्कि 8:30 बजे, 8 बजे उनके वालिदैन के फोन आना शुरू हुए। अब उनकी एक उम्मीद होती है, देखिए मतलब हमने अगर रिपोर्टिंग में कुछ कमाया है ना, सिर्फ और सिर्फ लोगों की दुआएं और इज्जत कमाई है, इसके अलावा कख नहीं शुक्र कमाया, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जानता है। और शुक्र। कोशिश ये है कि देखिए आज भी अगर कहीं आवाज भी सुनते हैं लोग, तो ये समझते हैं अगर ये जो बोल रहा है ना ये बात सच कर रहा होगा, और खुदा को हाजिर नाजिर जान के हम सच ही रिपोर्ट करते हैं। कभी किसी की लगी लिपटी करने की कोशिश नहीं की, इंसान है शायद कभी वो, लेकिन कभी ऐसी नहीं की। निमरा काजमी तीसरी दफा घर से चली गई और माँ बाप का फोन आया कि मदद करें। अब बताएं क्या मदद करें? वो कहते हैं जी थाना जाते हैं, तो थाने वाले कहते हैं कि बच्ची अपने शोहर के पास चली गई, हम क्या कर सकते हैं। सारा नवे अच्छा मरीज बिल्कुल वो ऐसे ऐसे नहीं आई, पहले एक दफा डेरा गाजी खान की वहां से सेशन अदालत से वो वापस लाए थे, बच्ची ने वहां खुद जाके स्टेटमेंट दिया कि उसके शोहर ने और उसके सास याद है ने मुझे, तशद्दुद हाँ किया और उसको याद है वापस बिल्कुल लाया। कुछ अर्सा यहाँ रही, तो उसके बाद फिर वो लड़का वही लड़का है, उसको भगा के ले गया। उसके बाद फिर तौसा की अदालत से, जो तौसा शरीफ है मेन, वहां की अदालत से बच्ची को लेके आए और कुछ दिन यहाँ रही, और उसके बाद फिर कल रात, यानी कि कल रात में तीसरी दफा वही बंदा उसको भगा के ले गया। अब मैंने उनसे सुबह यही कहा कि देखें आपकी अगर बार बार जग हसाई हो रही है ना, वो बेटी की वजह से हो रही है। अब बेटी को इतना एहसास नहीं कि माँ बाप किस तरह रुल रहे हैं, किस तरह तड़प रहे हैं। बिल्कुल कहने का मकसद ये है कि देखें माँ बाप की मोहब्बत, तकलीफ, और जब तक अगर औलाद कभी भी दिल से फील नहीं करेगा ना उनको, वो कभी ना खुद चैन से रहेंगे ना कभी माँ बाप को चैन से रहने दिया जाएगा। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल गरीब बिल्कुल हैं, बहुत ज्यादा गरीब हैं, जिनकी कहते हैं ना कि सुबह में शायद पूरी होती हो या शाम में ना होती हो, इस हद तक उनकी सूरत हाल हो चुकी सबके है। लिए अब आसान हो बेचारे रखा है तड़प रहे हैं। बिल्कुल अब बताएं कि मेहदी काजमी और अगर इनको आपस में मिला लें तो कौन आपको दुरुस्त सिमत में होता खड़ा होता नजर आएगा? तो वो डट डट के बिल्कुल खड़ा हुआ बेचारा, हर तरह से तजलील हुई, तजहीक हुई, और उसके बाद फिर वो अपनी बेटी के लिए फाइट कर रहा है। दूसरा अपनी निमरा काजमी का मामला देख लें जो आपके सामने की सूरत हाल है। ऐसा है, बिल्कुल नहीं, शायद भाई जाहिर है, ये तो अल्लाह रहम करे। मैं वही आपको बात कर रहा था कि यार मतलब आप क्या एक्सपेक्ट, तो ये किया जा सकता है ना कि आप किसी के साथ, यार कम से कम इंसान होने के नाते तो अच्छा ही सोच रहे हैं ना कि यार मैं किसी के साथ अच्छा ही कर रहा हूँ। मतलब मैंने तो पहली दफा बिल्कुल देखा है, ये जो ग्रुप है दूसरा, पहली दफा मैंने देखा है कि जिसके साथ ज्यादती हुई है उसी के खिलाफ बात कर रहे हैं, जी जी ठीक है ना, बजाय इसके कि यार बिल्कुल आप कहें कि नहीं, मतलब इतना भी नहीं कह देते। एक होता है ना कि इंसान में थोड़ी सी कोई शर्म होती है, कोई हया होती है, कोई थोड़ी सी गैरत होती है, यार, तो उस पे इतना भी गुजरेगी क्या, उस पे उसके दिल पे क्या गुजरेगी अगर कोई एक अपने अल्फाज अदा कर दिया। वही मैं ना। खुद जैसे मैं पिछले 3-4 दिन से डॉक्टर साहबाक वाला जो बीच में सीन आया, तो मैं अपने जो मेरे बार बार अदा किए अल्फाज से, मैं वो उनका जायजा लेता रहा कि कहीं मैंने कोई ऐसी गलत बात ना कर दी हो जिसकी अगर वो कभी सुने भी तो उनको ये फील ना हो यार मेरी तस्दीक हुई है। मैंने कोशिश पूरी की कि उनका उनके साथ जो कुछ हुआ है वो उसके जिम्मेदार मेहदी कादमी नहीं है, जिब्रान नासिर नहीं है, कोई और नहीं है, अदालत नहीं है, बल्कि उनका अपना डिपार्टमेंट है। लेकिन सूरत हाल आपके सामने है कि लोगों को बिल्कुल एहसास ही नहीं ऐसा, होता कि बैठ के तस्दीक करते हैं करते हैं, हंसते हैं और ठेठा मारते हैं, उनको समझ नहीं आती कि पता क्या नहीं, करना अल्लाह है। बस अल्लाह अल्लाह इन पे अपना रहम करे जी। हम तो हिदायत की दुआ ही करते हैं, हम तो हर वीडियो में कोशिश होती है कि सबके लिए दुआ करते हैं कि अल्लाह सबको जी आसानियाँ दे और सबको हिदायत दे कि यार हम कम से कम बिल्कुल जो है ना इस तरह की चीजें तो मद्देनजर तो रखनी चाहिए। चलो कभी कभार बिल्कुल शर्म आते हुए बंदा कह देता है कि यार उसके साथ भी ज्यादती हुई है, कह दे अली काजमी के साथ ज्यादती हुई है, किसी दिन कह दे, लेकिन नहीं, बड़ी को मतलब अल्लाह रहम करे, पता नहीं किस सिलसिले में। सही करें। चलें शायद भाई आपका बहुत अच्छा टाइम लिया, जाट साहब भी चले गए, उनके नहीं, इंटरनेट का प्रॉब्लम था। आप इंटरनेट का सबके इशू है। बहुत सारे लोगों की जो दुआएं हैं, सलाम है, वो उनकी दिल से कदर करते हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप लोग देखते हैं, पसंद करते हैं, हौसला भी करते हैं, सबसे बड़ी बात यह है, उसका बहुत ज्यादा शुक्रिया। हमारे एक मुस्तकिल देखने वाले हैं कूल वर्ल्ड के नाम से, उनका ये कहना है, बार बार सवाल आता कि जब अल्ताफ हुसैन साहब के बारे में वीडियोस बनाते हैं, एमक्यूएम के बारे में वीडियो मैं बनाता हूँ, तो उसके बाद फिर जो उसकी कैप्शन या उसके बाद ट्रांसलेशन आती है वो हिंदी में क्यों होती है? वो ऑटो पे होती है, मैं कभी भी नहीं करता। अब इंडिया में शायद, चूंकि आपको पता है कि जहाँ ज्यादा फोकस होता है तो ऑटो पे ही सारी चीजें हो जाती हैं, मैं कभी भी नहीं करता, चूंकि मैं कराची या हैदराबाद या जितने भी सिंध के या पाकिस्तान में जो उनके फॉलोअर्स हैं,
मैं उनको उनके हवाले से रिपोर्ट करूंगा। अब इंडिया में मेरा तो कोई जानने वाला नहीं है, बाकी फेसबुक अगर या यूट्यूब अगर ऑटो पे कुछ ही उठा लेता तो उसमें मेरा कोई कसूर नहीं है। बाकी जाहिर है वो एक सियासी जमात के लीडर हैं, मैं उनकी कभी या किसी और की मुखालफत किसी हद तक क्यों जाके करूँ। जो चीज होती है कोशिश करता हूँ, जो खबरें हैं जेरे गर्दश होती हैं वो रिपोर्ट करता हूँ। बाकी आप सबका शुक्रिया, आप सब दुआएं देते हैं, और शायद भाई आपका भी शुक्रिया, जट साहब का शुक्रिया, धन्यवाद। जीन कुरैशी हाँ साहब ने ज्वाइन करना था लेकिन किसी वजूहत की वजह से वो ज्वाइन नहीं कर सके। जाहिर है उसको इनशाला फिर थोड़ी। कोशिश करेंगे कि एक दो दिन में फिर लाइव आए। देखिए असल में अभी एक हमारे बहुत ही मोहतरम है, अब वो कह रहे थे कि जब हम आपको रोज लाइव आने का कहते हैं तो उस वक्त जो आप लोग आते नहीं, आज हमने कहा नहीं तो आप लोग खुद ही आ गए। खुदा तो ये आप लोगों की खलूस है, मोहब्बत है, इखलास है, और कोई नई चीज होती है तो कोशिश जरूर करते हैं कि मतलब आप लोग अंदाजा नहीं कर सकते कि कितनी तड़प हो रही होती है जब कोई नई खबर होती है आप तक पहुंचाने के लिए, बहुत ज्यादा कितनी बिल्कुल जस्तजू कर रहे होते हैं। तो सुकून से नहीं बैठे होते कभी भी, अगर लाइव नहीं आते तो इसका मतलब ये नहीं कि सुकून से बैठे हुए, हर एंगल से हर तरह से चीजें जो है सोच रहे होते हैं, निकाल रहे होते हैं कि कौन सी चीज किस वक्त क्या रिपोर्ट करनी है। तो शायद भाई आपका शुक्रिया, देखने वालों का, सब लोगों का शुक्रिया, दुआएं देने वालों का, सलाम देने वालों का, सबका शुक्रिया। अल्लाह ताला आप सबको सलामत रखे, अपनी अमान आमीन में रखे। आमीन। मेहदी काजमी साहब की अल्लाह ताला इनकी जो मुश्किल है, और जो जो बेटियों वाले, बहनों वाले, जो जो लोग परेशान हैं, खासकर इस केस से जुड़े लोग जो परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सबकी परेशानियां आमीन दूर फरमाए। अल्लाह हाफिज, आमीन। अल्लाह हाफिज।